So hi everyone, this is Mayank Kothari and this is the first question from November 2017 paper of the Strategic Financial Management. This is based on the mutual funds concept. Kafi basic question tha, 5 mark ke liye question aaya tha. Let's have a look on this question. We are going to solve it after the discussion. 5 mark ka ye aapka question hai. SBI mutual fund, once again. SBI mutual fund has NAV of 8.50 rupees. At the beginning of the year, at the end of the year, NAV increases to 9.10. देखो कुछ चीजें ध्यान में दो. आपकी NAV zero जो है, वो है 8.50. Okay? तो ये अगर आप timeline पकड़ो, तो ये 8.50 यहाँ की value है. उसके बाद में end of the year NAV is 9.10. So this is NAV 9.10. Meanwhile, fund distributes 0.90 as dividend. 8.50, 9.10. अच्छा, meanwhile कहीं तो मान लो ये जगह पे 0.90 का dividend दिया और 0.75 का capital gain दिया. Total मिला के हो गया आपका 1.65 rupees on each unit they distributed income which includes dividend and capital gain. अब आती है बारी क्वेश्चन पे. What is the fund's return during the year? Return calculate करना है कि आपने अगर 8.50 रुपए पे एक यूनिट खरीदा होता और उसके बाद आपको ये इनकम मिली होती तो 9.10 रुपए और अगर आखिरी में वैल्यू होती तो आपकी इनकम और आपका रिटर्न महीने भर का कितना होता. सेकंड वाले पार्ट में उन्होंने ये पूछा कि चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट किया ये तो बात मानी, लेकिन जब आपको ये इनकम मिले ना 1.65 रुपए की, ठीक है, ये अगर आपने वापस री इन्वेस्ट कर दी होती खुद के जेब में ना रखते हुए, आपको आया और वापस री इन्वेस्ट कर दिया. री इन्वेस्ट किया मतलब ये पैसे से आपने और एडिशनल यूनिट्स खरीद लिया एट द रेट ऑफ 8.75, दूसरे पार्ट में दिया हुआ है, तो आपको और एडिशनल यूनिट्स मिलते 8.75 रुपए की रेट से. ये रहा. तो अब बताओ कि री इन्वेस्टमेंट करने से अब आपका साल भर का रिटर्न कितना है. तो ये क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं. ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर होल्डिंग पीरियड रिटर्न. यही है मतलब उसका. होल्डिंग पीरियड आपने ध्यान दिया होगा तो एक साल का है, सॉरी एक साल का एक महीने का, एट द एंड ऑफ द ईयर एक साल का है. सो एच पी आर इज इक्वल टू एन ए वी वन माइनस एन ए वी जीरो. दिस विल गिव यू द कैपिटल एप्रिशिएशन, आपके यूनिट की वैल्यू कितनी एप्रिशिएट हुई, उसके बाद आपको डिविडेंड कितना मिला और कैपिटल गेन कितना मिला और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई. सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, 9.10 रुपए माइनस 8.50 रुपए प्लस डिविडेंड आपको मिला 90 पैसे का और कैपिटल गेन था 75 पैसे का, टोटल मिला के 8.50 रुपए. सो इफ आई एम गोना मेक सम कैलकुलेशंस हियर, ₹26.47% आपका रिटर्न आता है, क्योंकि मिस्टेक्स होने के चांसेस रहता है कैलकुलेशन में. एक बार फिर से कर लेते हैं, 26.47% ये आपका पहला आंसर है. ठीक है, दूसरा. अच्छा, अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं. दूसरे वाले केस में ये टाइमलाइन है, आपने 200 यूनिट खरीदे, यहां पे एनएवी कैश फ्लोस पे ध्यान देना, आपका पैसा आया कब और गया कब. स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी मोस्टली फोकस ऑन दी कैश फ्लोज नॉट द प्रॉफिट. ठीक है, सो एक बार कैश फ्लोज को ध्यान में दो. एनएवी जीरो है आपकी 8.50 रुपए और एन जीरो यानी नंबर ऑफ यूनिट्स थे 200, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 1700 रुपए का. यह आपका कैश आउटफ्लो था. ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे डिविडेंड मिला 0.90 का, कैपिटल गेन मिला 0.75 का, टोटल 1.65 का आपको इनकम मिला हर यूनिट पे. टोटल 200 यूनिट थे आपके पास में, 200 यूनिट पे
₹330 आपको इनकम मिला होगा। सेकंड वाला पार्ट आपको ये बोल रहा है कि ये आपने अपने पास नहीं रखा और डिस्ट्रीब्यूट सॉरी री इन्वेस्ट कर दिया। तो ये गया पहला, ये आया और ये इसी टाइम पे चला गया 330। क्या रेट पे गया? 330 के आपने और एडिशनल यूनिट्स खरीद लिए, क्या रेट पे? 8.75। तो आपको और क्या मिला होगा पता है? नंबर ऑफ यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट मिला आपको कुछ 37.71, सॉरी हाँ 37.71। सर नंबर ऑफ यूनिट्स म्यूचुअल फंड के डेसिमल्स में कैसे ले सकते हैं? हम इक्विटी शेयर्स तो नहीं लेते डेसिमल में, या तो एक मिलता है या तो दो मिलता है। यूनिट्स म्यूचुअल फंड के डेसिमल्स में मिलते हैं प्रैक्टिकली भी, इक्विटी शेयर्स नहीं मिलते, या तो एक या तो दो, लेकिन ये डेसिमल्स में मिलते हैं, आपके अकाउंट में आते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ वर्चुअल नंबर, सो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पेपर देंगे आधा फाड़ के देंगे। सो 37.71 आपको नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स्ट्रा मिले। अब ध्यान दो, आपकी यहाँ पे एनएवी है ₹9.10, दिस इज NAV 1, और N1 कितना है? 200 यूनिट थे पहले, उसमें 37 और ऐड हुए तो ये हो गया 237.71। यानी अगर अब हम वैल्यू देखें हमारे इन्वेस्टमेंट की, 237.71 इंटू 9.10, 2163.16। कैलकुलेशंस वापस से चेक करो, ठीक है। सो ये आपको वापस आएंगे। नाउ फोकस ओनली ऑन द कैश फ्लोज एट प्रेजेंट, बिकॉज ₹330 आपको अब कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं, आया और गया निल इफेक्ट। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कितना किया और आखिरी में पैसा कितना आया। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर री इन्वेस्टमेंट? इन केस ऑफ री इन्वेस्टमेंट द होल्डिंग पीरियड रिटर्न जो है आपका ऐसे कैलकुलेट होगा। ये आखिरी का पैसा है लेस स्टार्टिंग में कितना आया, सॉरी स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो ये आपको क्या देगा? ये वाला पार्ट आपको इन्वेस्टमेंट बताता है, ये वाला पार्ट आखिरी की वैल्यू बताता है, तो डिफरेंस इसका आपको रिटर्न बताता है कितना एक्स्ट्रा, और डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो क्या सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? यस, अमाउंट कितनी है? 2163.16, 1700, 1700। यू विल गेट द रिटर्न, ₹27.24। एंड दिस इज इट, दोनों आंसर आपके आ गए। पहला था 26.47% एंड द सेकंड वन वाज 27.24%। आंसर्स को नोट डाउन कर लो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है अभी भी यू कैन फील फ्री टू आस्क मी द डाउट्स। बाय बाय। सो हाई एवरी वन, दिस इज मयंक कोठारिया एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑन द बाइनोमियल मॉडल एंड दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम द SFM November 2017 एग्जाम। सो November 2017 में जो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से SFM का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1B 5 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज सिंपल बाइनोमियल मॉडल क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, अ कॉल ऑप्शन ऑन गोल्ड विथ एक्सरसाइज प्राइस ₹26,000 पर 10 ग्राम, सोना मिल रहा है 10 ग्राम 26,000 का, एंड 3 मंथ्स टू एक्सपायर इज बिंग ट्रेडेड एट अ प्रीमियम ऑफ 1010 पर 10 ग्राम। आज अगर मार्केट में खरीदने जाओ तो आज 26,000 में मिल जाएगा आपको, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सरसाइज प्राइस उसकी 26,000 है। मतलब आज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने जाओ कि मैं 3 महीने बाद खरीद सकता हूं, कॉल ऑप्शन है इसलिए सकता हूं, 3 महीने बाद 26,000 में खरीद सकता हूं, तो वो 3 महीने बाद जो 26,000 में खरीदने का आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कितने में मिल रहा है? 1010, ₹1,000 में आपको मिल रहा है पर 10 ग्राम।
It is expected that in 3 months' time, the spot price might change to 27,300 or 24,700 per 10 gram. जहाँ पे ऐसी चीज आई कि कॉल ऑप्शन आया और वहां पे एक यहां से मतलब एक ड्यूरेशन में यहां से प्राइस या तो ऊपर जा रही है या तो प्राइस नीचे जा रही है, समझ लेना कि बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है. एट प्रेजेंट दिस ऑप्शन इज एट द मनी. अच्छा, एट द मनी कब होता है? जब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम होती है. तो ये वर्डिंग देने का इनका सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप स्पॉट प्राइस भी सेम कंसिडर करो जो कि स्ट्राइक प्राइस है, जो कि 26,000 है. यानी कि आज स्ट्राइक प्राइस उस ऑप्शन की 26,000 है, आज स्पॉट प्राइस उस गोल्ड की मार्केट में 26,000 है. यानी कि आज अगर खरीदने जाओ गोल्ड तो 26,000 में मिल जाएगा, आज अगर कॉन्ट्रैक्ट करने जाओ थ्री मंथ्स का तो भी 26,000 में मिलेगा, लेकिन उसकी प्राइस आपको 1010 प्रीमियम पे करनी पड़ेगी. एट प्रेजेंट दिस ऑप्शन इज एट द मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विद सिंपल कंपाउंडिंग इज 12% पर एनम. जानबूझ के उन्होंने सिंपल कंपाउंडिंग लिखा. इज द करंट प्रीमियम फॉर द ऑप्शन जस्टिफाइड? क्या ये ऑप्शन जो मिल रहा है कि 3 महीने बाद जाके मैं 26,000 में गोल्ड खरीद सकता हूं, तो ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या ये जस्टिफाइड है 1,000 रुपए में खरीदना, 1,010 रुपए? इवैल्यूएट द ऑप्शन एंड कमेंट. सो लेट्स हैव अ लुक. सॉल्व करते हैं. आज की प्राइस है S0, कल जाके या तो बढ़ेगी या तो गिरेगी. बढ़ी तो SU यानी कि अपर साइड वाली प्राइस, स्पॉट लाइक स्पॉट प्राइस एट अपर साइड इज 27,300. SD डाउनवर्ड्स में ये हो सकती है 24,700. ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास में जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 26,000 जब S0, SK, S और K सेम होता है. द कॉल इज कॉल्ड एज एट द मनी कॉल ऑप्शन जिसका प्रीमियम है एक्चुअल मार्केट में 1010. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया हुआ है. टाइम कितने महीने का कॉल ऑप्शन है ये? 3 मंथ्स का. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा 3%, 12% साल भर के लिए दिया हुआ है, 3 महीने के लिए 3% सिंपल कंपाउंडिंग. अब आपको निकालना है कि क्या ये ऑप्शन खरीदना हमको चाहिए या क्या ये जो 1010 प्राइस दिख रही है ये सही है क्या. क्वेश्चन किस बात पे बोल रहा है, ये जो 1010 कॉल की प्राइस है ये सही है क्या, ये सही है या नहीं है. इसके लिए हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि कितनी होनी चाहिए थी, कितनी है 1010, कितनी होनी चाहिए थी, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल मॉडल. बाइनोमियल मॉडल कैसे पता लगा कि सर ये ऊपर नीचे जाते हुए दिख रहा है ना इससे. सो लेट्स हैव अ लुक, सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम बाइनोमियल मॉडल के हिसाब से ऑप्शन की वैल्यू सर पहले कैसे आती है. मेन आंसर अपना यहां पर रहेगा. तो हमको यहां का थ्योरेटिकल C0 निकालना है. ठीक है, C0 यानी कि कॉल ऑप्शन एट जीरो पॉइंट ऑफ टाइम, थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, इज इक्वल टू कॉल वैल्यू एट अपर लेवल मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी प्लस कॉल वैल्यू एट लोअर लेवल मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 - P. जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं बाइनोमियल मॉडल में वो अपर साइड की होती है, तो लोअर साइड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - P, क्योंकि दो ही तो चीज है, पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, उसके बाद में 1 + R. अब ध्यान दो, अपर लेवल पे क्या कॉल की वैल्यू होगी? यहां मैं लिख लेता हूं एक्शन, यहां आ जाएगा पे ऑफ, तो ये CU होगा और ये CD होगा. What is the call value? The difference between the strike price and the spot price provided it can be minimum zero. यानी कि अगर हम इसको लिखे call में, अगर हमने खरीदा है, call value can be maximum of zero. या sorry, मैंने गलत लिखा ना, सही बात है, maximum of zero spot minus strike. So,
आपके पास में आपने मान लो ऑप्शन खरीद लिया, यहाँ पे 3 महीने बाद में जाके मार्केट में पता चलता है 27,300 में मार्केट में जाके खरीद सकते हो, लेकिन ऑप्शन में आप 26,000 में खरीद सकते हो, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? यस, क्योंकि सस्ता मिल रहा। एक्सरसाइज करोगे तो कुछ पे ऑफ होगा, ठीक है? पे ऑफ कितना होगा? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू 1,300। ध्यान दो, अब यहाँ पे मिस्टेक ये नहीं करना कि ये 27,300 और 26, ये वाला इसका डिफरेंस नहीं है, ये 27,300 और ये 26 का डिफरेंस है। अब कंफ्यूजन ये मत होना मत, क्योंकि सेम है ना फिगर दोनों, तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हम S0 और SU का डिफरेंस नहीं ले रहे, हम K और SU का डिफरेंस ले रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस। अगर मार्केट में 24,700 में मिल रहा है, तो क्या मैं ऑप्शन में 26,000 में खरीदूंगा? नहीं। ऑप्शन में खरीदा? नहीं। तो ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ? नहीं, लैप्स। और ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ तो जीरो, ऑप्शन की वैल्यू निगेटिव नहीं जा सकती। आ जाओ, अब आपको दो चीजें पता चल गई है यहाँ पे, 1,300 इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस 0 इंटू प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.03, क्योंकि 3 मंथ से डिस्काउंटिंग करना है। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी दो तरीके से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। एक होता है वोलाटिलिटी अप्रोच, जिसमें आप वोलाटिलिटी लेते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 + R -D डिवाइडेड बाई U -D। D क्या होता है? वोलाटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग डाउनवर्ड्स। U क्या होता है? वोलाटिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अपवर्ड्स 1.03। वोलाटिलिटी यानी कि इंडेक्स, ये रहा 24,700 डिवाइडेड, ये 24,700 डिवाइडेड बाई ये वाला 26,000 स्पॉट प्राइस, फिर 27,300 डिवाइडेड बाय 26,000, इसको सॉल्व करेंगे। अरे एक ही वापस कैलकुलेट करो, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे मैं उसकी वैल्यू रख देता हूँ, ये हो गया 0.80 और ये हो गया 0.20। So, ये आता है आपका 1,009.71। अब सिर्फ पैसों का फर्क है। कंक्लूजन में इधर लिखूंगा या फिर यहीं आ जाते हैं, एक्चुअल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1,010, थियोरेटिकल मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1,009.71, एक्चुअल मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल मार्केट प्राइस। इसका मतलब मार्केट में कॉल इज ओवर वैल्यूड, थोड़ा सा महंगा मिल रहा है। अब अगर प्रैक्टिकली बात करें तो सिर्फ 0.29 पैसे का फर्क है एक में, लेकिन और भी प्रैक्टिकली अगर जाऊं तो ये 0.29 पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है जब लॉट साइज आती है इसकी। अगर आप 1,000 की लॉट साइज पकड़ोगे तो 0.29 × 1,000 यानी कि ये 290 रुपये का डिफरेंस आ रहा है एक लॉट का, ठीक है? अब अगर यहाँ पे आप 100 लॉट भी खरीदते हैं तो 290 × 100 यानी कि 29,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि दोनों प्राइस सेम है तो हाँ ठीक है फेयरली वैल्यूड है। यू कैन ईजिली कंक्लूड ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर्स दैट द कॉल इज ओवर वैल्यूड इन द मार्केट। 1,009
पॉइंट 71 होना चाहिए था, कितना है 1010 है, ज्यादा है ना, इसलिए ओवर वैल्यूड। या फिर इतना ही लिखेंगे बेटर है, या फिर इसके आगे आप एक और सेंटेंस जोड़ सकते हैं कि द प्राइस इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड इन ऑर्डर टू गेन सम आर्बिट्राज, या फिर आर्बिट्राज में कुछ गेन करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन सेल द कॉल ऑप्शन। अगर आर्बिट्रेजिंग आपको करनी है तो यू कैन सेल द कॉल ऑप्शन 0.29, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपका गेन हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ नवंबर 2017 पेपर विच इज़ बेस्ड ऑन द बाइनोमियल मॉडल ऑफ द कॉल ऑप्शन। नो डाउन दीज आंसर्स एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी द डाउट्स। बाय बाय। Hey, hi everyone, this is Mayank Kotharia and in this video we are going to discuss about this particular question from SFM November 2017 exam. This is related to the Forex chapter and interest rate parity theory, particularly in that chapter. So let's have a look on this question. If the present interest rate for 6 months borrowing in India is 9% per annum, India mein 6 mahine ka jo rate diya hua hai wo hai 9% per annum. तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 6% को 4.5% में, ठीक है। एंड द करस्पॉन्डिंग रेट इन यूएसए इज 2% पर एनम एंड द यूएस डॉलर इज सेलिंग इन इंडिया एट 64.50 डॉलर। ये तीनों चीज़ें मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। इंडिया का रेट है आपका 9% रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री 9% पर एनम, आर एफ रेट ऑफ फॉरेन कंट्री दिस इज 2% पर एनम एंड द स्पॉट रेट इन इंडिया इज रुपीज पर डॉलर 64.50 पर डॉलर, ठीक है। देन विल यूएस डॉलर बी एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट इन द इंडियन फॉरवर्ड मार्केट। पहली चीज, क्या यूएस डॉलर फॉरवर्ड मार्केट में, ये तो स्पॉट है, यहां से फॉरवर्ड मार्केट में शिफ्ट होंगे तो क्या प्रीमियम पे रहेगा या डिस्काउंट पे रहेगा। दूसरी चीज, 6 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट क्या होना चाहिए। और तीसरी चीज, फाइंड आउट द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट। हमको रेट भी पता करना है कि पहली बात तो प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे, दूसरी बात फॉरवर्ड रेट क्या है और वो फॉरवर्ड रेट कितने परसेंट प्रीमियम पे। तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी एंड द एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इन अ करेंसी कॉन्सेप्ट। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर। पहली चीज, फर्स्ट आंसर यहां से शुरू करता हूं, द फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट पे, पहला वाला थोड़ा थियोरेटिकल है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी द डिफरेंशियल इन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ टू कंट्रीज, द डिफरेंशियल इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ टू कंट्रीज इज ऑफसेट बाय द डिफरेंशियल इन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंशियल इन दोनों के बीच के डिफरेंशियल से ऑफसेट होता है, ये पहली चीज इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बोलता है। सेकंड आइटम जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बोलता है, इस पे ध्यान देंगे, लोअर इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री, या फिर हम, हाँ ठीक है, लोअर इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री इज ऑफसेट बाय इंक्रीज इन द वैल्यू, बोल सकते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी
of that country and वाइस वर्सा. पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा. अगर किसी कंट्री किसी देश में इंटरेस्ट रेट कम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्री, ठीक है, अगर इस देश में इंटरेस्ट रेट कम है तो इस देश, ये तो डिसएडवांटेज हो गया कि भैया इस रेट के, इस देश के इंटरेस्ट रेट ज्यादा, इस देश का इंटरेस्ट रेट कम है, ये डिसएडवांटेज हो गया. तो ये डिसएडवांटेज ऑफसेट होता है इस कंट्री की करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होके. तो ये बेनिफिट हो गया, एक बेनिफिट, एक बेनिफिट और एक डिसएडवांटेज हो गया, तो दोनों ऑफसेट हो गया. इसको बोलते हैं ऑफसेट होना. अपोजिट क्या होता है, वाइस वर्सा क्या होता है, अगर किसी कंट्री में कंट्री की करेंसी की सॉरी किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो वो जो एडवांटेज है वो ऑफसेट होता है किसी डिसएडवांटेज से. एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज, कि उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी. अगर आपको ये दूसरे एंगल में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि द डिसएडवांटेज इन द लोअर इंटरेस्ट रेट इन वन कंट्री गेट्स ऑफसेट बाय द एप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, राइट डाउन एप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी. ठीक है, तो यहां पे आप चेंज कर लेना थोड़ा, वो प्रॉपर रहेगा, मतलब सेम ही है. देयर फॉर अब हम यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन यूएस डॉलर के बारे में पूछ रहा है, इसलिए मैं यूएस डॉलर के बारे में देख रहा हूँ. उसमें क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि यूएस डॉलर एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन पे है, ये आपको बताना है. एक सेकंड. हाँ, उन्होंने पूछा है यूएस डॉलर प्रीमियम या डिस्काउंट पे है, ये हमको बताना है. तो यूएस डॉलर की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट आर लोअर इन यूएस, हेंस क्या होगा, इंटरेस्ट रेट यूएस में कम है तो फॉरवर्ड मार्केट में यूएस डॉलर प्रीमियम पे रहेगा, मतलब एप्रिशिएट होगा. यूएस डॉलर विल बी एट प्रीमियम इन, प्रीमियम बोल दो, इंडियन मार्केट लिखा है, इंडियन मार्केट में फॉरवर्ड मार्केट ये बेटर रहेगा. ये मैं प्रूव करके बताऊंगा बाद में जब सेकंड वाला पार्ट का आंसर हम निकालेंगे. ये पहला आंसर हो गया आपका, ठीक है. मैं सेकंड वाली बात करता हूँ. सेकंड वाले क्वेश्चन में इन्होंने क्लियरली पूछा है फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट फॉर यूएस डॉलर. एक्सपेक्टेड 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट अकॉर्डिंग टू द IRPT, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी. फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 प्लस रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट. बट इन केस द कोटेशंस आर इनडायरेक्ट, आप इंडिया में हो, ठीक है, तो इंडियन करेंसी आपकी प्राइस करेंसी होनी चाहिए और डॉलर आपका बेस करेंसी होना चाहिए, तो हाँ वही है. अगर कोटेशंस इनडायरेक्ट होते, ठीक है, इनडायरेक्ट कोट अगर होता तो फॉर्मूला ऐसा होता, 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय 1 प्लस RD इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एस, और 1 प्लस RD डिवाइडेड बाय 1 प्लस RF इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एफ. ठीक है, तो हर जगह पे कोटेशन डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो ये फॉर्मूला नहीं लगता. चलो अब इस पे आता हूँ. अब हमको ये पता है 6 मंथ्स बोला है उन्होंने, तो 6 महीने में रेट कन्वर्ट करेंगे 1.045 और 1.01 इज इक्वल टू फॉरवर्ड निकालना है, स्पॉट 64.50 दिया हुआ है. सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन फोर ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाले पार्ट का. अब मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ, ध्यान दो. स्पॉट मार्केट में रेट है 64.50, अगर आज यहाँ लेते हो तो सेटलमेंट ये. फॉरवर्ड मार्केट में रेट है 66.74, दिस इज फॉरवर्ड एंड दिस इज स्पॉट. ध्यान दो,
अगर आज खरीदो तो $1.64.50 का आएगा, लेकिन 3 महीने या सॉरी 6 महीने बाद अगर आप खरीदना चाहते हो तो उसके लिए जो आज कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसमें $66.74 का आएगा। यानी फॉरवर्ड मार्केट में महंगा आ रहा है ये तो मैं बोल सकता हूँ। स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, कहाँ महंगा मिल रहा है डॉलर, यहाँ महंगा मिल रहा है। तो किसकी वैल्यू बढ़ी? डॉलर की वैल्यू बढ़ी, बढ़ी ना फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर की वैल्यू, यही तो अपन ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, थर्ड का आंसर। अब थर्ड का आंसर निकालते हैं। वो बोलते हैं परसेंटेज अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालो इन द करेंसी। तो एक फॉर्मूला जो हर जगह लग सकता है वो है एफ माइनस एस एस इंटू 12/n इंटू 100। ये फॉर्मूला हर जगह लग सकता है अगर जिस करेंसी में आप अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो वो करेंसी बेस करेंसी बना लेते हो। तो हमको एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किस में निकालना है? डॉलर में। यहां डॉलर बेस है क्या? हाँ, असेट बोलते हैं उसको, अंडरलाइंग असेट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि रुपीज में निकालो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, तो यहां वैल्यू रखने के पहले यहां आप देख सकते हो रुपीज बेस करेंसी नहीं है, रुपीज को बेस करेंसी बनाते आप रिवर्स करके, इनवर्स करके। ठीक है, और फिर यहां पे वो वाली वैल्यूज रखते, दूसरी वाली। ये एक तरीका, अगर आप इसको चेंज नहीं करना चाहते कोटेशंस को, दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो फॉर्मूला चेंज करो या तो ये चेंज करो। मैंने जो अभी बताया उसमें एक ही फॉर्मूला दोनों करेंसी में कैसा लगेगा, जब जिस करेंसी में आपको एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना है उसको बेस बना लो। ठीक है, दूसरा, सर हमको ये रेट्स नहीं बदलने, फॉर्मूला बदल के बताओ। फॉर्मूला भी बदल सकते हैं, सीधी बात है। जब आप बेस करेंसी में, बेस करेंसी जो भी दी है, हमारी करेंसी छोड़ दो, जो भी दी है बेस करेंसी या डॉलर दी है, उसमें अगर आप एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला, अगर प्राइस करेंसी में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो एस माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू 12/n इंटू 100। तो देखा, मैंने इसको सेम रख के ये दो फॉर्मूले बनाए, या तो इसको सेम रखना है तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करो, कोई भी रास्ता अपनाओ, आंसर आपका सेम आएगा। दूसरी बात, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करोगे ना तो उसमें स्टेप्स आपकी बढ़ जाती है, और फाइनल आंसर को वापस आपको डायरेक्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, सो इट बिकम्स लेंथी प्रोसीजर। तो ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत ही सही है। बेस करेंसी में अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना है ये, प्राइस करेंसी में अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकालना है ये, खत्म। हमको डेप्रिसिएशन डॉलर में निकालना है, डॉलर ही बेस करेंसी है, तो बेस करेंसी वाला फॉर्मूला मैंने लिया है यहाँ पे। फॉरवर्ड रेट आपको कितना दिया हुआ है? 60, चल हमने तो यहाँ निकाला है 66.674, 64.50। छः महीने पर एनम निकाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसको 12/n किया। अगर आपको सिर्फ 6 महीने के लिए निकालना है तो ये बाकी का करने की जरूरत नहीं है। सिक्स पॉइंट 9.45% या 6.9595%, मैं कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लूँगा। 6 महीने, ये लिखना मत बोलना क्योंकि ये पर एनम में कन्वर्ट किया अपन ने 6 महीने को। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मैं मार्किंग कर देता हूँ आपको। ये जितने भी बॉक्सेस निकाले हो ये फाइनल आंसर के बॉक्स है। सो दिस इज ऑल योर आंसर, जस्ट नोट इट डाउन एंड देन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय। Hi everyone, this is Mayank Kotharia and in this video we are going to see this question. This question is based on the purchasing power parity theory from the foreign exchange and risk management chapter. So what is the question? Let's discuss and then we are going to solve this question. The rate of inflation in USA is likely to be 3% per annum.
एंड इन इंडिया इट इज़ लाइकली टू बी 6.5%, तो ये भी पर एनम ही है. द करंट स्पॉट रेट ऑफ US डॉलर इन इंडिया इज 43.40. तो ये दो तीन चीज़ें मैं आपके लिख लेता हूँ. इन्फ्लेशन का रेट है तो मैं इसको आई, हमारी डोमेस्टिक कंट्री आई डी इंडिया, आई एफ इन्फ्लेशन इन फॉरेन कंट्री. तो आई डी हो गया 6.5% पर एनम, और ये हो गया 3% पर एनम. उसके बाद स्पॉट रेट दिया हुआ है इंडिया में 43.40, एंड देन फाइंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डॉलर इन इंडिया आफ्टर 1 ईयर एंड 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यूजिंग परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी. सो मान लो आप यहाँ पे हो आज से ठीक 1 साल बाद, यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड रेट क्या होगा, और उसके बाद 3 साल यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड रेट क्या होगा. दिस इज़ फॉरवर्ड रेट 1, दिस इज़ फॉरवर्ड रेट 3. ये आपको पता करके बताना है यूजिंग द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ध्यान दो. नाउ परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है सर? परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी ये बोलती है कि दो कंट्री के जो इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, दो कंट्री के जो इन्फ्लेशन रेट है, इनका डिफरेंशियल स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट जो है करेंसी के, उनके डिफरेंशियल से मैच करेगा. यानी थियोरेटिकली स्पीकिंग, क्रॉस रेट अगर आप निकालो इनकी मदद से तो इट शुड मैच. तो थियोरेटिकल रेट परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी से कैसा आता है? एक ही चीज पूछी है उन्होंने, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, 1 प्लस आई डी इन्फ्लेशन इन डोमेस्टिक कंट्री आई एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड बाय स्पॉट. ठीक है, दिस इज फॉर ईयर 1. तो इन्फ्लेशन रेट हमारे कंट्री में है 6.5% और वहाँ है 3%. फॉरवर्ड रेट निकालेंगे, स्पॉट रेट हमको दिया हुआ है 43.40. सो द फर्स्ट रेट विल बी 44.87. एक बार फिर से, 44.87 रुपीज पर डॉलर. फॉरवर्ड रेट, ठीक है, ये एक हो गया. इसके बाद लास्ट वाला हम सॉल्व करते हैं, ईयर 3. अब ध्यान दो, ये तो आपको समझ में आ रहा कि 6.5%, 6.5% और 6.5% 3 बार लगेगा अगर 3 साल की बात कर रहे तो. 3%, 3% और 3% 3 बार लगेगा अगर 3 साल की बात कर रहे हैं. आज से 3 साल बाद प्राइस पता करनी है तो 1 प्लस आई डी टू द पावर 3, 1 प्लस आई एफ टू द पावर 3 फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय स्पॉट. तो 1.0650, 1.03, 43.40, ये आपका F3 आ जाएगा. फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन्टी एट एक बार मैं फिर से चेक कर लूँगा ताकि गलती ना हो. 3, 1.0927. फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन्टी एट तो ये आपकी दो फिगर्स हो गई फाइनल आंसर. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट नोट इट डाउन. इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन लगता जाएगा. सो जो दो इन दोनों का जो इंडेक्स आ रहा है वो 43.40 को बढ़ाते जाएगा हर साल से. इन दोनों का जो इंडेक्स आ रहा है वो 43.40 को बढ़ाते जाएगा हर साल से. अगर इंडेक्स उल्टा आ रहा है तो कम भी हो सकता है.
सो डेप्रिशिएट भी हो सकती है ना फिगर. सो दिस इज इट, दिस इज वॉट द आंसर इज. वेरी इजी आंसर, बेसिक आंसर है परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का. एंड 5 मार्क्स के लिए पूरे के पूरे बोनस मार्क्स है बेसिकली. नवंबर 2017 SFM पेपर. बाय बाय. हे हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारिया एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन ऑन द लीजिंग डिसीजंस. क्वेश्चन हम लेसर के एंगल से सॉल्व करेंगे, दिया हुआ लेसी के एंगल से है और क्वेश्चन ये SFM नवंबर 2017 के पेपर में 8 मार्क्स का आया हुआ था. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोनस मार्क्स है. ध्यान देखिए कैसे है क्वेश्चन और उसको कैसे सॉल्व करना है. ABC कंप्यूटर लिमिटेड इज डिजायरिंग टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग यूनिट. एक कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का एक पूरा यूनिट इंस्टॉल करना चाहता है जिसकी कीमत पड़ेगी 60 लाख इन ऑर्डर टू लेवरेज इट्स टैक्स पोजिशन. ये मैं मेरी टैक्स की पोजीशन को लेवरेज करना चाहता हूँ. इसका मतलब मैं जितनी भी मेरी टैक्स मेरे को अप्लीकेबल है, जो भी बेनिफिट्स मेरे को अप्लीकेबल है, उनका मैं पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ. इट हैज़ रिक्वेस्टेड द वेंडर टू कोट फॉर अ 3 ईयर लीज. अब क्या हो रहा है, सामने वाली कंपनी है ABC कंप्यूटर लिमिटेड, उसको एक यूनिट डालना है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग यूनिट, जो कि अगर खुद पूरा अमाउंट खर्चा करे एक साथ तो 60 लाख रुपये उसको पड़ेगा. लेकिन उसको लेने का नहीं है, बाय नहीं करने का, उसको लीज पे चाहिए मुझसे. आई एम द लेसर. तो उसकी टैक्स पोजीशन उसने लेवरेज करने के लिए मेरे पास आया, बोला कि आप ये डेवलपमेंट यूनिट मेरे को लीज पे दे दो 3 साल के लिए और लीज रेंटल जो मैं आपको दूंगा वो 3:2:1 के रेशो में होनी चाहिए. यानी कि जो भी मैं आखिरी साल में दे रहा हूँ उसका 3 गुना पहले साल में दूंगा, उसका 2 गुना दूसरे साल में दूंगा और उसके बाद में कम, मतलब धीरे धीरे करके मैं लीज रेंटल कम करना चाहता हूँ. डिक्लाइनिंग मेथड. नाउ डेप्रिशिएशन कैन बी अज्यूम्ड टू बी ऑन WDV बेसिस एट 25% एंड द वेंडर्स मार्जिनल टैक्स रेट इज 35%. वेंडर कौन, मेरा, उसका मार्जिनल टैक्स रेट नहीं, मेरा मेरे एंगल से बात चल रही है. ध्यान दो, द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न फॉर द वेंडर, मैं लेसर, 10%. You are required to find out the year-wise rental the vendor is required to quote to ABC Computer Limited. Vendor. अब ध्यान दो क्वेश्चन का मतलब क्या है. क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं कि वेंडर के अगर एंगल से देखो तो वेंडर खरीदेगा 60 लाख में, उसको देगा तो वेंडर के लिए आउटफ्लो है 60 लाख का पहले तो, ठीक है. उसके बाद इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट के ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है मैं उसको लीज पे दूंगा 3:2:1 के लीज रेंटल में, तो उससे लीज आएगी वो मेरा इनफ्लो. लेकिन इस पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा वो आउटफ्लो क्योंकि मेरी इनकम है, ठीक है. जो मैंने असेट लिया उसका ओनर मैं हूँ 60 लाख का, उस पर डेप्रिशिएशन कौन चार्ज करेगा, मैं. लेकिन वो कैश फ्लो नहीं है, अपने काम के नहीं है, लेकिन उस एक्सपेंस पे डेप्रिशिएशन के टैक्स सेविंग होगी मेरे को, वो मेरा कैश इनफ्लो. 60 लाख का आउटफ्लो, लीज रेंट का इनफ्लो, लीज रेंट पे टैक्स का आउटफ्लो और डेप्रिशिएशन पे टैक्स सेविंग का इनफ्लो. ये चार चीज आपने लेनी है, कहानी खत्म. मैं कितना रिटर्न कमाना चाहता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट पे, मैं 10% का रिटर्न कमाना चाहता हूँ. अरे मैं खाली पॉकेट दूंगा क्या, जितनी कॉस्ट आई और कॉस्टिंग अगर मैं इससे निकाल लूँ सिर्फ, तो मेरा क्या फायदा 3 साल तक उसको लीज पे देने का. मैंने रिटर्न कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए, इसको बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट शुड बी 10%. एंड अकॉर्डिंग टू IRR मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोस. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो सेम आनी चाहिए, यानी NPV जीरो आनी चाहिए. NPV जीरो आएगी ऐसा लीज रेंटल हमको पता करना है, तब मैं बोल सकूंगा कि हाँ देखो 10-10% से मैंने कैश फ्लोस को डिस्काउंटिंग की, यानी मैं 10% कमा रहा हूँ इन पे. सो इक्वेशन कैसा बनेगा, सबसे पहले मान लीजिए जो आखिरी साल में हम पेमेंट करने वाले हैं या फिर हम सामने वाले को चार्ज करेंगे, हम कौन है, लेसर, हम सामने वाले को कितना चार्ज करेंगे, एक्स अमाउंट चार्ज करेंगे आखिरी साल में. तो पहले साल में कितना हुआ 3x, दूसरे साल में कितना हुआ 2x. सो ईयर वाइज अगर हम बोले फाइनल आंसर में पहले ऊपर ले लेता हूँ, ईयर 1, 2, 3 लीज रेंटल 3x, 2x एंड x, ये मैं चार्ज करूंगा, ठीक है. अब देख लो
वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल्स एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने बोला कि भैया ऐसी लीज रेंटल चार्ज करनी है जहां पे एनपीवी जीरो आए 10% पर डिस्काउंटिंग करने के बाद, तब जाके मैं ये बोल पाऊंगा कि मैंने 10% इस प्रोजेक्ट पे कमाया। तो मेरी एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब इनफ्लोज में क्या क्या आएंगे देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर टैक्स लीज रेंटल प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। आई थिंक ये दो ही चीजें हैं, लीज रेंटल का इनफ्लो इसमें आ गया पहले वाले में, लीज रेंटल पे टैक्स का आउटफ्लो भी पहले वाले में आ गया क्योंकि मैं आफ्टर टैक्स ले रहा हूँ, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग भी इसमें आ गई। इसमें तीन चीजें आ गई, बचा क्या, कॉस्ट। सो द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, थ्री एक्स वन माइनस 0.35 आफ्टर टैक्स। 3x यानी कि पहले साल की लीज रेंटल मेरी इनकम हुई उसमें मैं 35% दे दूंगा, तो मैंने आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू होना तो मैं 0.909 इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 10% फॉर फर्स्ट ईयर प्लस 2x 1 माइनस 0.35 इंटू 0.826 प्लस 3x 1 माइनस 0.35 इंटू 0.721। ये ख़त्म। अब डेप्रिसिएशन की हमको अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी तभी जाके आंसर निकाल पाएंगे। मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ, वर्किंग नोट टू टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। थोड़ा इधर से शुरू करते हैं, ईयर ओपनिंग डेप्रिसिएशन 25%, क्लोजिंग टैक्स सेविंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से और प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट ईयर ओपनिंग 60 लाख की थी, ठीक है, 60 लाख पे 25% आपका 15 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन, बचा 45। सेकेंड ईयर 45, 45 पे 25% आ रहा 11.25, बचा 33.75। थर्ड ईयर 33.75 पे 25% 8.4375, 44 ले लेता हूँ राउंड ऑफ करके 25.31। टैक्स सेविंग 35% की डेप्रिसिएशन पे ले लो 5.25, 3.94, 2.95। एक बार फिर से चेक, ठीक है, फैक्टर्स देखो 0.909, 0.826, 0.721, 5.25 इंटू 0.909, 4.77, 3.94 इंटू 0.826, 3.25, 2.95 इंटू 0.721, 2.13। दिस इज 10.15 प्रेजेंट वैल्यू आपकी। माइनस 60 लाख रुपए, खत्म। सॉल्व कर लेते हैं इसको,
3 × 0.65 × 0.909 2 × 0.65 × 0.926। अच्छा ये गलत किया आपने, तो ये आता है आपका 3.315 एक्स प्लस 10.15 माइनस 60 एंड इट शुड बी जीरो। तो इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 10.15 डिवाइडेड बाय 3.315 15.04 लाख। सो 3 × 15.04 2 × 15.04 1 × 15.04। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं करूँगा इसलिए क्योंकि हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो। ये मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है बहुत सारे लोगों के 10-10 मार्क्स कट जाते हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ये फिगर बस यहाँ रख दूंगा, इसमें 10.15 ऐड करके 60 माइनस करके देखूंगा जीरो के आसपास आता है कि अप्रोक्सीमेटली जीरो ही आ गया। आफ्टर टैक्स कंसिडर करना है तो इन सबको मैं 0.65 से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वाली फैक्टर ले लूंगा। 2 मिनट देख लो, 45.12 × 0.65 × 0.909 30.08 × 0.65 × 0.826 15.04 × 0.65 × 0.721 MRC प्लस 10.15 − 60 0.0076 का डिफरेंस है। बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस है क्योंकि हम राउंड ऑफ कर रहे थे, यहाँ पे 15.0377 ऐसा आ रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर, फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू कैन नोट डाउन दीज आंसर्स एंड वी विल हैव अ डिस्कशन लेटर ऑन द न्यू कॉन्सेप्ट और द न्यू क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हे हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारिया एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द सेंसिटिविटी एनालिसिस topic from the capital budgeting chapter. This question has been asked in SFM paper in November 2017 of the CA final. This question has been allotted, had been allotted 8 marks and purely it is bonus point to everyone. Now 8 marks itne easy hai iska calculation karna, like 5 minutes mein aapka iska answer आ सकता है अगर आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट पता हो और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस मैनुअल का सेम क्वेश्चन आपने किया हुआ हो। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। इंडियन न्यूज़प्रिंट लिमिटेड जो है अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर है न्यूज़प्रिंट का कंट्री में, ठीक है, इज प्लानिंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग कार्डबोर्ड यूनिट। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी डिवीजन ऑफ द कंपनी हैज प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ द कार्डबोर्ड यूनिट। मैं एक न्यूज़पेपर कंपनी हूँ, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता हूँ कार्डबोर्ड का, और उसके लिए मेरे ही कंपनी के प्लानिंग और स्ट्रैटेजी डिवीजन जो है उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। द रिपोर्ट इंटरेलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग कैश फ्लोज, कि अगर मैं प्लानिंग ये यूनिट डालता हूँ तो मेरे को खर्चा कितना आएगा, रिकरिंग कॉस्ट कितनी होगी और सेविंग्स कितनी होगी। सो स्टार्टिंग में मेरे को इसको इंस्टॉल करने में 1000 लाख का खर्चा है, उसके बाद फर्स्ट ईयर में 400 लाख का खर्चा और सेकंड ईयर में 500 का खर्चा, और सेविंग्स अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर में 1200 और सेकंड ईयर में 1400 की सेविंग्स होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% दिया हुआ है, नीचे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिए हुए हैं, वही फैक्टर आपने यूज करना है, इसके अलावा कोई और नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्लांट वैल्यू, रिकरिंग कॉस्ट एंड सेविंग्स। तीन चीजें, प्लांट की वैल्यू जो 1000 है, रिकरिंग कॉस्ट जो 400 और 500 है, और सेविंग्स जो कि 1200 और 1400 है।
at a time such that the NPV becomes zero. The present value factor at 9% are given below. ठीक है, advise the board of director which factor is the most sensitive to affect the acceptability of the project. So this is the entire question. देखो इसका आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बात है, सेंसिटिविटी. इसमें अच्छा क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि इस तरह से एनालाइज करो कि एनपीवी जीरो हो जाए, एनपीवी जीरो हो जाए, तो हम वो वाली चीज़ नहीं करेंगे जो 10% ऊपर नीचे करना है, दैट इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एनपीवी जीरो लेके आ जाए, कितना परसेंटेज, तीन फैक्टर, इनिशियल कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट और सेविंग्स, कितना परसेंटेज अगर ये तीन फैक्टर एडवर्स गए तो एनपीवी जीरो हो जाएगी. ठीक है, और इसको कैसे इंटरप्रेट करना है हम ये आखिरी में देखेंगे, क्योंकि आखिरी में उन्होंने पूछा है कि एडवाइस करो कौन सा फैक्टर ज़्यादा सेंसिटिव है. ठीक है, तो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, लास्ट में ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर्स ले लेता हूँ कि क्या चीज़ का कैलकुलेशन है. यहाँ हम कैश फ्लोज ले लेंगे, दिस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज इनिशियल कॉस्ट विच इज 1000. ठीक है, उसके बाद रनिंग कॉस्ट, ईयर लेना भूल गए थे हम, 400 और 500. फैक्टर्स है आपके 0.917 और 0.842. और सेविंग्स 1200 और 1400, 1200 एंड 1400 एंड 0.917, 0.842. कैलकुलेशन देखिए, सेवन 90.3, 400 इंटू 0.917, 500 इंटू 0.842, 787.8. दोनों का टोटल ही है, उसके बाद इन दोनों का टोटल सेविंग्स का, टू टू 79.2. सो एनपीवी अगर हम निकाले तो दिस इज एनपीवी. और अब हमको क्या करना है, तीन चीजों की सेंसिटिविटी निकालना है. ठीक है, ये सेकंड वर्किंग हो जाएगी आपकी, अच्छा सेंसिटिविटी कैसे निकालते हो, चेंज इन बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू. सो इनिशियल कॉस्ट, ध्यान दो अब इन सारी फिगर्स की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू पे ही निकालना है आपको. और एक चीज़ जहाँ पे अब रनिंग कॉस्ट में निकालने बोला उन्होंने सेंसिटिविटी, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि अलग अलग ईयर्स में अलग अलग आपकी रनिंग कॉस्ट है, तो 400 को भी एक्स नहीं ले सकते, 500 को भी एक्स नहीं ले सकते. सो इन सब के बेसिस पे कैलकुलेशन करो ही मत, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेशन करो. ध्यान दो, ये कैश इनफ्लो है और ये दो कैश आउटफ्लो है. अगर आपने ध्यान दिया, अगर 491.40 से मैंने 1000 को बढ़ा दिया तो आंसर क्या आएगा, जीरो. जीरो ही एनपीवी लानी है. तो इनिशियल कॉस्ट कितने से बढ़नी चाहिए, 491.40. रनिंग कॉस्ट की बात करता हूँ, 491.40 से ये रनिंग कॉस्ट बढ़ा दो. ठीक है, ये रनिंग कॉस्ट इसमें बढ़ा दो 787 में, तो आंसर क्या आएगा, जीरो. 491.40 से सेविंग्स कम कर दो, आंसर क्या आएगा, जीरो. इतना ही चेंज तीनों में अगर आया एडवर्सली, एडवर्सली बोले तो इनिशियल कॉस्ट बढ़ी, रनिंग कॉस्ट बढ़ी और सेविंग कॉस्ट कम हुई, तो एडवर्स होता है ना.
तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। सो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 491.40 डिवाइडेड बाय 1000, दैट्स 449.14%। फोर नाइन्टी वन पॉइंट फोर्टी डिवाइडेड बाय 787.80 एंड सेविंग्स 491.40 डिवाइडेड बाय 2279.20 62.4%। एक बार फिर से अब क्या हो रहा है? कैलकुलेटर मेरी दिक्कत दे रहा है अभी। सिक्सटी टू पॉइंट थर्टी एट परसेंट ट्वेंटी वन पॉइंट फिफ्टी सिक्स परसेंट इनका इंटरप्रिटेशन अब मैं बता देता हूँ। ये जो परसेंटेज आया ना, इतना परसेंट अगर ये वाले फैक्टर एडवर्स हुए, मतलब इनिशियल कॉस्ट 49.1% से बढ़ी, ये बढ़ी और ये इतने परसेंट से गिरी, तो सेविंग्स गिरने पे एडवर्स बोलते हैं हम, अगर हुए तो आपकी एनपीवी जीरो हो जाएगी। अब आप चेक करके देख सकते हो, सेविंग्स 1200-1400 है, हर एक वैल्यू को 21.56% से गिरा के देखो, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, एनपीवी जीरो आएगी। रनिंग कॉस्ट बढ़ा के देखो, 500 और 400 को बढ़ा के देखो 62.38% से, फिर से एनपीवी कैलकुलेट करो, एनपीवी जीरो आएगी। इसका मतलब क्या है? हम प्रोजेक्ट कब तक एक्सेप्ट करते हैं? जब तक एनपीवी जीरो के ऊपर रहती है। जीरो के नीचे गई तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं करते। तो क्या ये मेरा सेंटेंस जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ वो सही है क्या? सर 49.14% से अगर इनिशियल कॉस्ट बढ़ी ना तो एनपीवी जीरो आ जाएगी। इसका मतलब अगर 49.14 से ज्यादा परसेंटेज, 49.14 से ज्यादा से अगर इनिशियल कॉस्ट बढ़ी तो एनपीवी निगेटिव आएगी। 62.38% से ज्यादा से रनिंग कॉस्ट अगर बढ़ी तो एनपीवी निगेटिव आएगी। 21.56% से ज्यादा से सेविंग्स अगर कम हुई तो एनपीवी निगेटिव आएगी। द मैक्सिमम एडवर्स परसेंटेज दैट वी कैन एक्सेप्ट एंड स्टिल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इज दिस। इसके ऊपर अगर एडवर्स गया तो वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट बिकॉज एनपीवी निगेटिव आ रही है। आ रही बात आपके समझ में? तो सर 49% चेंज आया तब जाके एनपीवी जीरो आएगी, ध्यान देना। 62% चेंज आया तब जाके एनपीवी जीरो आएगी। 21% चेंज आया तो जाके एनपीवी जीरो आ जाएगी। मतलब छोटे से चेंज से आपके एनपीवी जीरो आ जाएगी। सबसे सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है? सेविंग्स। सबसे ज्यादा सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है? सेविंग्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा आपका, मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है? इसीलिए एनपीवी जीरो। अब मैं आपको अगर लोकल लैंग्वेज में आपको समझा के बताऊं, दो लोग हैं,
ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। मान लो मैंने ए को थप्पड़ मारा, नहीं रोया भाई, बी को थप्पड़ मारा, सॉरी ए को और जोर से थप्पड़ मारा, नहीं रोया, ए को तीसरी बार थप्पड़ मारा और जम के थप्पड़ मारा, तब जाके वो जमीन पे गिरा और रोना शुरू हो गया। पहली सिचुएशन, बी को मैंने थोड़ा सा थप्पड़ मारा, ऐसे प्यार से थप्पड़ मारा, रोना चालू हो गया। कौन ज्यादा सेंसिटिव है? बी। थोड़ा सा चेंज आया कि उसको अफेक्ट होता है, इसको इतना ज्यादा चेंज आया तब भी अफेक्ट नहीं हुआ था, 3 गुना चेंज आया तब जाके अफेक्ट हुआ ए को, और एक ही बार में बी अफेक्ट हो गया, ठीक है। 3 और 1, ये सेंसिटिविटी है, ठीक है, 3 टाइम्स और 1 टाइम्स ले लो, यहाँ परसेंटेज है। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव निकला? थोड़े से चेंज से अगर मेरा मेरे को फर्क पड़ता है तो मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ, थोड़े से चेंज से अगर एनपीवी 0 आ जाती है तो ये फैक्टर ज्यादा सेंसिटिव है, ये नहीं। दिस इज व्हाट द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। नोट डाउन दिस पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आप क्रॉस चेक जरूर करना ये परसेंटेज से, कभी भी अगर एग्जाम में लिखते हो तो क्रॉस चेक जरूर करो कि हाँ ये जो मैंने फिगर निकाली है वो सही है कि नहीं, इससे एनपीवी 0 आ रही है कि नहीं, एटलीस्ट मार्क्स बच जाएंगे अगर आपने कहीं सिली मिस्टेक्स की तो। बिकॉज दिस इज हैज बीन माई ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम लोग पूरी पढ़ाई कर लेते हैं 10 मार्क्स के आसपास, तकरीबन सबके 100 में से 60 लोगों के 10 मार्क्स ऐसे ही कटते हैं सिली मिस्टेक्स की वजह से। सो यू कैन इम्प्रूव दैट पार्ट। बाय बाय। सो हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन स्वैपिंग क्वेश्चंस। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द स्वैपिंग एंड बेसिकली स्पीकिंग प्लेन वैनिला स्वैप, जहाँ पे हम फिक्स्ड लेते हैं और फ्लोटिंग देते हैं, या फिर फिक्स्ड देते हैं और फ्लोटिंग लेते हैं। तो फिक्स टू फ्लोटिंग वाला जो सिंपल तरीके का स्वैप होता है उसको बोलते हैं प्लेन वैनिला स्वैप। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम SFM पेपर, नवंबर 2017 एग्जाम, एंड इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। लेट्स डिस्कस। भारत बैंक लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ प्लेन वैनिला स्वैप थ्रू ऑन ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1 करोड़। भारत बैंक लिमिटेड एक कंपनी है जिसने प्लेन वैनिला स्वैप में स्वैप का ट्रांजेक्शन किया है। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप मतलब हर दिन का कैलकुलेशन होएगा, हर दिन, ओवरनाइट, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, हर दिन के माइबोर पे आपकी स्वैपिंग के सेटलमेंट्स डिस्कस होंगे। ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹1 करोड़ एंड एग्रीड टू रिसीव माइबोर ओवरनाइट फ्लोटिंग रेट। मैं बैंक हूँ, मैंने किसी पार्टी के साथ में स्वैपिंग ट्रांजेक्शन में एंटर किया और उसमें डिसाइड क्या हुआ कि मैं माइबोर यानी कि फ्लोटिंग रेट रिसीव करूंगा, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड पेमेंट, फिक्स दूंगा फ्लोटिंग लूंगा, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल। द स्वैप वॉज एंटर्ड इन टू ऑन Monday 10th July 2017 एंड वॉज टू कमेंस ऑन एंड फ्रॉम 11th June 2017 एंड रन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 दिन के लिए ये स्वैपिंग का ट्रांजेक्शन चलेंगे हर दिन। रिस्पेक्टिव माइबॉर रेट्स फॉर ट्यूजडे टू मंडे वेर एज फॉलोज। 6 रेट्स आपको दिए हुए, ध्यान देना, 7 दिन चलेंगे लेकिन रेट्स 6 दिए हुए क्योंकि बीच में संडे आता है, तो संडे का रेट डिक्लेयर नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सैटरडे वाला रेट यूज करेंगे। सो सैटरडे और संडे का जो रेट रहेगा वो सेम रहेगा हमारे कैलकुलेशन में। इफ भारत बैंक लिमिटेड रिसीव्ड ₹417 नेट ऑन सेटलमेंट, कैलकुलेट करो फिक्स्ड रेट एंड इंटरेस्ट अंडर बोथ लेग्स। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, जो हम फ्लोटिंग रेट ले रहे हैं वो तो रेट्स दिए हुए लेकिन फिक्स्ड क्या रेट से दे रहे हैं ये लिखा हुआ नहीं है, ये कैलकुलेट करना है। और उसके बाद टोटल मिला के फ्लोटिंग कितना लिया और फिक्स कितना दिया ये अमाउंट में भी कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट अंडर बोथ लेग्स का मतलब ये हो गया कि पहला लेग है आपने जो दिया या फ्लोटिंग और दूसरा लेग है फिक्स्ड वाला। इफ भारत बैंक लिमिटेड रिसीव 417 नेट ऑन सेटलमेंट, नेट में क्या किया दोनों का, हमने कुछ लिया और कुछ दिया, तो कितना लिया नहीं पता, कितना दिया नहीं पता, लेकिन नेट में हमको सिर्फ मिला है, मतलब लिया वाली अमाउंट ज्यादा है देने वाली अमाउंट से, मतलब फ्लोटिंग का अमाउंट ज्यादा है फिक्स्ड के अमाउंट से। ठीक है, कितने से, ₹417 से। नोट करो संडे हॉलिडे है, वर्किंग आपको राउंडेड रुपीज में करना है, डेसिमल कहीं पे भी मत यूज करना, और 365 डेज इन अ ईयर आपका रहना चाहिए। सो ये देखो कैलकुलेशन सब।
मैं माई बॉर के रेट्स ले लेता हूँ, यहाँ डेज ले लूँगा, कौन सा डे है, उसके बाद ओपनिंग एंड देन यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। फर्स्ट डे ट्यूसडे से चालू हो रहा है ना, माइबोर का रेट था 8.75% और प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी 1 करोड़ रुपए, ठीक है। और इस पे 1 दिन का इंटरेस्ट निकालना है, तो 1 करोड़ पे 8.75% लगाओ के पर एनम मिला, डिवाइडेड बाय 365 करना, तो आपको आंसर मिलेगा 23। अरे एट लाख 75,000 पर एनम आता है, डिवाइडेड बाय 365 करोगे वो आएगा 2397.10। 2397 सिर्फ 2397 वेडनेसडे। सेटलमेंट कब हुआ सर? सेटलमेंट हुआ आखिरी में, तो ये अमाउंट भी जाएगी अगले बार और बन जाएगी प्रिंसिपल के साथ में ऐड हो जाएगी, तो इस पे अब हमको कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे मिलेगा वेडनेसडे। दिस इज 9.15% एंड दिस इज गोइंग टू बी लास्ट 4 डिजिट, सो 1 2 3 9 7। टू फाइव जीरो सेवन नाइन पॉइंट 12% वन डबल जीरो जीरो 4904, ठीक है। इस पे लगेगा 9.12% डिवाइड बाय 365, दैट गोज टू 2499.85 है, तो 2500 रुपये हो गया। कम कैसे हो रहा है? अच्छा रेट कम हो गया इसलिए। ठीक है, फ्राइडे 8.95 1000.7404 पे लगेगा 8.95% और 1 दिन का बनता है 2500, सॉरी 2454। सैटरडे दिस इज 8.98% नाइन एट फाइव एट टू फोर सिक्स थ्री अब संडे का निकालते हैं, क्योंकि संडे को कोई रेट नहीं है, अपन प्रीवियस डे का रेट लेंगे, दैट इज 8.98% इटसेल्फ। अगेन वन डबल जीरो 1231 2463, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, क्योंकि अमाउंट इंटरेस्ट की छोटी होने की वजह से कंपाउंडिंग की अमाउंट दो बार करने के बाद में भी सेम आ रही है।
अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहो तो आप इनके जगह पे एक कैलकुलेशन सिंपल सा कर सकते हो, 000985 इंटू 8.98% इंटू 2/365, तो इसका आंसर आपका आएगा 4926। तो अगली स्टेप डायरेक्ट आ जाएगी फिर आपकी मंडे की, और मंडे को रेट क्या दिया हुआ है, 9.15%। डबल 0014784। तो ये क्या हो गए, ये सारे फ्लोटिंग रेट्स है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है डेली के, जो कि हमने लेना बनता है। सो दिस इज फ्लोटिंग लेग, रिसीवेबल्स, ठीक है, टोटल देख लो। फ्लोटिंग लेग आपने लेना बनता है, फिक्स्ड लेग आपने देना बनता है। नेट में क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि भारत बैंक लिमिटेड को मिला है 417 रुपये, मतलब फ्लोटिंग लेग ज़्यादा होगा ना, क्योंकि मिला क्या है, फ्लोटिंग लेग, तो फ्लोटिंग लेग ज़्यादा होगा, फिक्स्ड लेग कम होगा। तो मैं इसमें से जितना मिला वो माइनस कर देता हूँ, क्योंकि कम होगा मेरा फिक्स्ड लेग। नेट रिसीव्ड 417, तो आपका फिक्स्ड लेग आ जाएगा, विच इज पेबल बाय यू, $16,878। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। फिक्स्ड लेग और फ्लोटिंग लेग दोनों लेग की अमाउंट बताना, इंटरेस्ट की, रिसीवेबल कितना 17,295, मतलब 17,295, एंड पेबल कितना 16,878। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट एक्चुअली वी आर पेइंग। अमाउंट कितनी, 16,878, रेट कितना, फिक्स्ड रेट 16,878 का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 1 करोड़ की वैल्यू पे, ओके। कितने दिन का इंटरेस्ट है, ये सिर्फ 7 दिन का है, कितने दिन लिख लेने बोला है क्वेश्चन में, 365। दैट कम्स टू 8.80% पर एनम। दिस इज योर सेकंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट आंसर आपके लेग वाला हो गया, सेकंड आंसर आपके परसेंटेज वाला हो गया, कि फिक्स्ड परसेंटेज आप 8.80% एवरी डे यू आर पेइंग। सो हर दिन इतना मिल रहा है और हर दिन 8.80 जा रहा है, ये मतलब होता है। सो जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन कर लो इस आंसर को, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट। बाय बाय। So hi everyone, this is Mayank Kotharia, and in this video we are going to discuss a question on the mutual funds. This is the question from a November 2017 paper. This is question number I think 3B. इस क्वेश्चन में हमको तीन अलग अलग डेट्स पे म्यूचुअल फंड की नेट असेट वैल्यू निकालनी है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। A reputed financial institution of the country floated a mutual fund. देश का रेप्यूटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने एक म्यूचुअल फंड की शुरुआत की, हैविंग अ कॉर्पस ऑफ 10 करोड़, कंसिस्टिंग ऑफ 1 करोड़ यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। टोटल 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस था, जिसको उन्होंने 1 करोड़ यूनिट्स में बांटा, हर एक यूनिट 10-10 रुपए का था। अब इनमें मिस्टर विजय ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए फॉर 1,000 यूनिट्स। तो इस 10 करोड़ में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किसका है, मिस्टर विजय का, और उन्होंने उसके बदले 1,000 यूनिट लिए। कब, 1 जुलाई 2014 को, 1st of July 2014 को। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2015, 1st July 2014 से ठीक 9 महीने होते हैं, 31st March 2015 को फंड ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 10% का, 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। जब नहीं कुछ दिया होता हम उसको डिविडेंड रेट मानते हैं, और ये डिविडेंड रेट अगर है तो फेस वैल्यू पे लगता है, जो कि 10 रुपए है, यानी 1 रुपए पे, सॉरी 1 यूनिट 10 रुपए का,
और 10 रुपये पे 10% यानी 1 रुपया, यानी एक यूनिट पे 1 रुपया का आपको डिविडेंड मिलेगा। एंड मिस्टर विजय फाउंड दैट हिज एनुअलाइज्ड यील्ड, ध्यान देंगे अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट पीरियड 9 महीने ही हुआ है और वो एनुअलाइज्ड यील्ड निकाल रहे हैं 153.33%। द म्यूचुअल फंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ रुपीज सॉरी ऑफ 20%। 31 मार्च 2016 की बात हो रही है अब, जहाँ पे उन्होंने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया ठीक एक साल बाद, तो जुलाई में चालू किया, 9 महीने बाद 2015 का मार्च आया और 12 महीने बाद 31 मार्च 2016 आया, जहाँ पे 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। मिस्टर विजय ने री इन्वेस्ट कर दिया सारा का सारा डिविडेंड जो कि उनको मिला था इस म्यूचुअल फंड से अपनी अपनी अप्रोप्रिएट NAV पे। ऑन 31 मार्च 2017 मिस्टर विजय रिडीम्ड ऑल हिज बैलेंसेस, ठीक एक साल बाद उसने 1129 यानी 1129.61 यूनिट्स बेच दिए, जब उनको पता चला कि उनके एनुअलाइज्ड यील्ड है 73.52%। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द NAV एज ऑन 31 मार्च 2015 इन्वेस्टमेंट के 9 महीने बाद, 31 मार्च 2016 इन्वेस्टमेंट के 24 मंथ्स बाद और 31 मार्च 2017 इन्वेस्टमेंट के 33 मंथ्स बाद की NAV आपको पता करनी है। ठीक है, इनका रिटर्न इन्होंने नहीं पूछा, हमको सिर्फ नेट असेट वैल्यू पूछा है। सो वी विल लुक फॉर द क्वेश्चन। तो यहां से मैं शुरू करता हूं। ठीक है, सो दिस इज 1 जुलाई 2014 15, 16, 17 बताया ना उन्होंने, 14, ठीक है, ये है 31 मार्च 2015। फिलहाल मैं इतना ही लेता हूँ, इतनी NAV निकालेंगे और आगे फिर देखेंगे क्या कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एनुअलाइज्ड यील्ड कितना है, 153.33%। इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना है आपका अभी, 9 मंथ्स। ठीक है, सो यील्ड फॉर होल्डिंग पीरियड या इन्वेस्टमेंट पीरियड बोलो, जितने टाइम तक आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा उतने ही टाइम का यील्ड कितना आएगा, 115%। कैसा आएगा सर, 153.33 या 153.33 डिवाइडेड बाय 12 × 9 अगर मैं करूँगा तो 115% मेरा 9 महीने का रिटर्न आता है। ध्यान देंगे क्वेश्चन ने आपको इस पीरियड का रिटर्न दिया है 153.33%। ठीक है, हमको सिर्फ इसी पीरियड का रिटर्न चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक इतना ही पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया है। तो एक्चुअल में वो जब रिटर्न निकाला गया तो 115% था, जिनको उन्होंने कन्वर्ट किया एनुअलाइज्ड और फिर क्वेश्चन में दिया, तो हमने रीकन्वर्ट किया एनुअलाइज्ड से 9 मंथ्स में। ठीक है, 115%। नाउ द फॉर्मूला फॉर होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है, क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, NAV 1 माइनस आपकी NAV 0 क्लोजिंग और ओपनिंग। अगर डिविडेंड मिला तो डिविडेंड और कैपिटल गेन मिला तो कैपिटल गेन ऐड कर दो और ये हो जाएगी NAV 0। ठीक है, रिटर्न ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, 9 महीने का अगर आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना हो गया सर, 1.15% टर्म में है 115, जिसको इंडेक्स टर्म में आप अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 1.15। NAV 1 हमको कैलकुलेट करनी है जो कि क्लोजिंग NAV है। स्टार्टिंग NAV कितनी थी, 10 रुपये। डिविडेंड कितना मिला, अब आप देख रहे हो एक यूनिट पे डिविडेंड कितना मिला आपको, 10% का, 10 रुपये पे 10% का डिविडेंड होता है 1 रुपया। कैपिटल गेन कुछ दिया है, नहीं, सो ये 10। अब अगर हम कैलकुलेशन करें, 10 इधर आ जाएगा, 11.5 NAV 1 माइनस 9। ठीक है, सो आपकी NAV आ गई 11.5, इधर आएगा तो ये आ जाएगा 20.50 की आपकी NAV आ गई पहली वाली।
एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2015। अब देखो क्या हुआ, सिर्फ यहीं तक कहानी नहीं रुकी, एक चीज हो गई। अब यहाँ पे ना एक्चुअली आपको डिविडेंड मिला था, मिस्टर विजय को डिविडेंड मिला था, डिविडेंड मिला था 10% का, जो कि 10 रुपये था, सॉरी 1 रुपये था। उनके पास यूनिट कितने थे, 1,000। और क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि री इन्वेस्ट कर दिया गया है डिविडेंड को, तो एक अजम्पशन हम ले सकते हैं यहाँ पे जो क्लियर नहीं है, अगर डिविडेंड कब दिया तो ईयर एंड पे हमको डिविडेंड मिला होगा, जब एनएवी कैलकुलेट हुई होगी उसके बाद डिविडेंड बांटा गया, उसी दिन उस दिन डिविडेंड बांटा गया और हमने री इन्वेस्ट कर दिया, तो री इन्वेस्ट क्या रेट पे किया होगा, यही एनएवी पे री इन्वेस्ट किया होगा, और उसके बदले हमको एडिशनल यूनिट्स मिले होंगे। कितने एडिशनल यूनिट्स मिले, तो ध्यान दो, आपके पास 1,000 यूनिट्स हैं जिसकी फेस वैल्यू 10 है, जिस पे 10% डिविडेंड दिया गया, ठीक है, और आपने ये 20 रुपये 50 पैसे के रेट पे इन्वेस्टमेंट किया है। सो 1,000 × 10 10,000, 10,000 × 10% वापस 1,000, 1,000 / 20.50, तो 48.78 यूनिट्स आपको मिले हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में। तो ये पार्ट मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, अब मैं दूसरा पार्ट शुरू करता हूँ। जब आप यहाँ से शुरू हुए आगे बढ़े, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 1,000 यूनिट्स थे, लेकिन अब कितने हैं आपके पास में, 1,048.78, और 31 मार्च 2016। अब ये वाला पीरियड आपके 12 महीनों का है, ठीक है, 12 मंथ्स का है, ध्यान देंगे। सेकेंड, एनएवी ऑन 31 मार्च 2016, आपको 20% डिविडेंड यहाँ पे मिला है। अच्छा एक चीज याद रखो, सेकंड वाला केस क्या है, जिसमें सेकंड ईयर के एंड में डिविडेंड मिला 20%, जैसे फर्स्ट वाले केस में फर्स्ट ईयर के एंड में डिविडेंड मिला, तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो आपको एनएवी पता चल सकती है, एनएवी पता चल सकती है कि कितनी है, अगर आप एडिशनल यूनिट्स पता कर लो। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 48.78 आपको दिया होता, तो आप 48.78 इस एडिशनल यूनिट्स के नीचे में रखते, और सिर्फ आपको यही फिगर नहीं दी हुई थी 20.50, बाकी सब दिया हुआ है, तो आप 20.50 निकाल सकते थे। अब वही मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है, कैसे, आप देख सकते हो कि 1,048.78 है, यहाँ पे भी मुझे डिविडेंड मिला तो मैंने री इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे डिविडेंड मिला तो मैंने एनएवी पे री इन्वेस्ट किया होगा, और ये एडिशनल यूनिट्स मेरे पास आए होंगे, एग्री करते हो आप। अब ये एडिशनल यूनिट इसमें ऐड हो गए, और इसके बाद ठीक 31 मार्च 2017 आया, और जब अब 2017 में कोई एडिशनल यूनिट्स है क्या, कोई डिविडेंड है क्या, नहीं है, तो जो यहाँ पे बैलेंस था वही यहाँ पे बैलेंस रहेगा यूनिट्स का, और यहाँ का बैलेंस आपको दिया हुआ है वो कितना है क्वेश्चन में, 1,129.61, 1,129.61, ध्यान दो, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कितने थे सर, 1,048.78, इसमें कुछ यूनिट्स ऐड हुए होंगे तो यहाँ पे एक बैलेंस आया, और इस 16-17 में कहीं पे भी डिविडेंड नहीं बांटा गया, तो कहीं पे भी रीइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होगा, तो कहीं पे भी एडिशनल यूनिट्स नहीं मिले होंगे, तो ये जो बैलेंस दिख रहा है यही बैलेंस यहाँ का है, 1,129, 1,129.61, ठीक है, ये बैलेंस कहाँ का है, यहाँ का है 1,129.61। तो अब आपको पता चल जाएगा कि यार इतने थे, इतने हो गए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ही और कुछ नहीं, एडिशनल यूनिट्स है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एडिशनल यूनिट्स रिसीव्ड, ऑन
डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट कितने? 1129.61 माइनस 1048.78 80.83। ठीक है, ये रहे, जैसे 48.78 थे ना, वैसे 80.83 आपको मिल गए। सेम फॉर्मूला वापस रखो, ठीक है? फेस वैल्यू इनटू आपका डिविडेंड रेट डिवाइडेड बाय एनएवी। तो एडिशनल यूनिट आपके कितने? 80.83। नंबर ऑफ यूनिट्स पहले थे 1048.78, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड रेट 20%, और ये एनएवी। और आपके इससे आंसर आ जाएगा एनएवी। ये 80.83 को यहाँ लेके आ जाओ। ₹25.95। ठीक है, सेकंड एन ए भी आ गई। अब थर्ड एन ए भी, थर्ड बहुत ही आसान है। 2017, 2014। अब आप 2017 के एंडिंग में जब आते हो, तब आपको पता चलता है कि आपकी एनुअलाइज्ड एनएवी 72.52% है। एक सेकंड फिर से देख लेता हूँ, 73.52% है। बहुत ही प्योर और सिंपल एग्जांपल, सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखो, कहाँ पे क्या हो रहा है। बहुत ही सिंपल, यहाँ पे कोई कैश इनफ्लो हुआ नहीं। अच्छा हुआ है सर, डिविडेंड मिला लेकिन वापस दे दिया, नेट इफेक्ट जीरो। यहाँ पे डिविडेंड मिला, वापस दे दिया, नेट इफेक्ट जीरो। यहाँ पे आउटफ्लो हुआ और यहाँ पे इनफ्लो हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे यूनिट्स बेच दिए। इसके अलावा कहीं आउटफ्लो इनफ्लो है क्या नेट में? नहीं है। ठीक है, सो सिर्फ एंडिंग और स्टार्टिंग देखो, बीच की सारी चीज़ें भूल जाओ। ये सब इसका सबके लिए काम आ रहा था। एनुअलाइज्ड 73.52% ईल्ड है। यील्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो होता है रिटर्न। रिटर्न किस चीज़ पे कैलकुलेट करते हो सर? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? ये स्टार्टिंग में किया था अपने जेब से। ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, ये यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुका है, ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। 73.52% का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज यील्ड। यील्ड इज कैलकुलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि आपने स्टार्टिंग में किया था। और यहां से लेके यहां तक देखो तो 33 मंथ्स का पीरियड है। 12 महीने ये, 12 महीने ये, और 9 महीने ये। 12, 12, 24 और 9, 33 मंथ्स का पीरियड है। जैसे पहले वाले पार्ट में 9 महीने के रिटर्न को उन्होंने 12 महीने का कन्वर्ट करके एनुअलाइज दिया, अभी भी 33 मंथ्स के रिटर्न को 12 महीने का कन्वर्ट करके उन्होंने एनुअलाइज दिया। अब हम वापस एनुअलाइज्ड को 33 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। ये नॉर्मल फॉर्मूला था विदाउट री इन्वेस्टमेंट। अब हम री इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। म्यूचुअल फंड के स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो हमने दो फॉर्मूले देखे थे। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अलग था, इसका फॉर्मूला अलग था। थर्ड पार्ट मैं यहां से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ? होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू, यह है आपका फॉर्मूला। एनएवी वन इंटू एन वन आपको क्या देगा कि एनएवी वन आखिरी की एनएवी पे आपने कितने यूनिट्स बेचे, तो ये कैश इनफ्लो है। माइनस इन्वेस्टमेंट कितने पे किया था? एनएवी जीरो इंटू एन जीरो पे आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था, डिवाइडेड बाय एनएवी जीरो इंटू एन जीरो। ठीक है, अब होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? 73.52 को अगर मैं परसेंटेज में लिखूँ तो 0.7352 आता है, लेकिन ये सिर्फ 12 महीनों का है। ठीक है, ये सिर्फ 12 महीनों का है, इसको 33 मंथ्स में कन्वर्ट करूँगा मैं। इसके बाद एन ए वी वन मुझे पता है क्या? नहीं पता सर, वही तो निकालनी है। एन वन मुझे पता है 11 12
29.61, और ये क्या है, माइनस 10,000 का इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय 10,000, 1,000 × 10, ध्यान दो। अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा NAV1 इज इक्वल टू 26.75। आप अगर कैलकुलेशन में अच्छे हो तो आपको और कोई आगे के स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ये स्टेप के बाद में आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलते हैं, टाइम बचता है एग्जाम में। मैंने क्या किया सर, 10,000 को पहले इधर शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई कर लिया, पहले इसको सॉल्व किया फिर 10,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, ये इधर 10,000 निगेटिव में इधर आएंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो मैंने 10,000 ऐड कर दिया, इधर 1129.61 मल्टीप्लाइड है तो मैंने इधर लाया तो डिवाइड कर दिया, एक के बाद एक करता गया, तो ये फिगर निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 10,000, एडिशन 10,000 एंड डिवाइड बाय 1129, जो अपोजिट साइन ले लिए सारे के सारे, और आपके फाइनल एनएवीज आ गए। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर एंड द थर्ड आंसर, दीज आर द एनएवीज दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट, जस्ट नोट इट डाउन एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन, बाय बाय। Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari. Today in this video, we are going to talk about the cap option in the derivatives. This question has been asked in November 2017. This was question number 4A and it was asked for 8 marks. This was the पूरे अगर नवंबर 17 के पेपर की बात करूँ तो शायद यही एक क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज गई होगी, अदरवाइज एवरीथिंग वॉज ओके। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। A textile manufacturer has taken floating interest rate loan of rupees 40 lakhs on 1st April 2012. एक textile manufacturer है जिसने floating interest rate लिया था 40 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2012 को। The rate of interest at the inception of loan is 8.5% per annum. अच्छा, मैंने ना लोन लिया है बैंक से, मैंने ना, मैं जब लोन लेने जाता हूँ बैंक से तो मैं फिक्स रेट पे लोन ले सकता हूँ, मैं फ्लोटिंग रेट पे लोन ले सकता हूँ। अगर मैंने फिक्स रेट पे लोन लिया होता तो चारों साल, जो आगे देखेंगे हम, चारों साल में सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करता, ठीक है। लेकिन अब मेरी जब इंटरेस्ट की बारी आएगी पे करने की, वो बदलता रहेगा हर साल, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट बदलते रहेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ फ्लोटिंग रेट लोन। नाउ The rate of interest at the inception of loan is 8.5% per annum. आज जब मैंने लोन लिया तब मार्केट में रेट चल रहा है 8.5%। इंटरेस्ट इज टू बी पेड एवरी ईयर, हर साल इंटरेस्ट पे करूंगा 31 मार्च को, एंड द ड्यूरेशन ऑफ लोन इज 4 years, ठीक है। सो हमारे को क्या क्या दिया हुआ है सर, ड्यूरेशन दिया हुआ है 40 लाख की प्रिंसिपल वैल्यू, 8.5% अभी रेट चल रहा है, और हर साल 31 मार्च को हमने पेमेंट करना है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2012 The central bank of the country releases the following projections about the interest rates likely to prevail in the future. कब मैंने लोन लिया, 1 अप्रैल 2012 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो आपको बताता हूँ, 1 अप्रैल 2012 को, यहाँ से ठीक 6 महीने खत्म हुए और ये 1 जनवरी 12 है, ठीक है। यहाँ से ठीक 6 महीने खत्म हुए और क्या आया आपका, 1 अक्टूबर, हाँ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर लिखा है तो मैं 1 अक्टूबर लेके चलता हूँ, ठीक 6 महीने बाद में, ठीक है। यहाँ पे बैंक ने 6 महीने लोन लेने के बाद में बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने प्रोजेक्शंस रिलीज किए कि भैया आने वाले सालों में क्या इंटरेस्ट रेट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए सब क्वेश्चन अब क्या बोल रहे हैं, ऑन 31st मार्च 2013 एट 8.75%, 31st मार्च 2014 एट 10%, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लूँ आपका तो ये साल ख़त्म हो जाता है 31st December 12, अब यहाँ से आपका ये 31st मार्च 13, अब मैं छोटे छोटे ईयर निकाल रहा हूँ, जगह कम है, ठीक है। सो ये आपका एक साल है,
ये दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। 31 मार्च 2013 को रेट था 8.75%, मतलब होंगे ऐसा लगता है, एस्टिमेटेड है। फिर 10%, 10.5%, 7.75%, और ये है 7.75%। ठीक है, अब देखो, शो हाउ दिस बोरोविंग कैन हेज द रिस्क ऑफ सॉरी शो हाउ दिस बोरोविंग कैन हेज द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेड राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन ही वांट्स टू पेग हिज इंटरेस्ट कॉस्ट एट 8.50%। अब आपको बताना है कि किस तरह से वो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को 8.50% तक लिमिट कर सकता है, मतलब वो मैक्सिमम 8.50% पे करेगा, उससे ज़्यादा पे नहीं करेगा। किस तरह से ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि फ्यूचर में अब प्रोजेक्शन तो मेरे को मिल गए। अब क्या हो गया, मैं इन्वेस्टर हूँ, मान मैं इन्वेस्टर नहीं, मैं बोरोवर था, 6 महीने पहले लोन लिया था 40 लाख रुपए का, ठीक है, जब 8.5% रेट चल रहा था, फ्लोटिंग रेट लोन है। 6 महीने बाद में बैंक ने रिलीज़ कर दिया, आरबीआई ने, कि भैया आने वाले 4 सालों के रेट ये होंगे। अब मेरे को दिख रहा है क्लियरली प्रोजेक्शंस क्या है, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, मेरे को सेफ रहना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को कोई ऐसा टूल बताओ, ऐसा रास्ता बताओ कि मैं हेजिंग कर सकूँ। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना, 8.50%, पेग करना यानी लिमिट कर देना, 8.5% से इंटरेस्ट नहीं जाना चाहिए ऊपर। तो अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि बताओ ऐसा क्या कर सकते हैं, कि मैं बताओ ऐसा क्या कर सकते हैं कि मैं अपना इंटरेस्ट का कॉस्ट लिमिट कर दूं। नाउ व्हाट वी कैन डू, दिस इज, अगर अपर लिमिट लगानी है तो हमारा सिलेबस में, हमारे सिलेबस में डेरिवेटिव्स में कॉन्सेप्ट है कैप ऑप्शन, कैप फ्लोर्स एंड कॉलर्स। कैप अपर लिमिट फिक्स करता है, फ्लोर्स लोअर लिमिट फिक्स करता है, और कॉलर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नाउ कैप ऑप्शन इज समथिंग दैट वी शुड टेक, एंड यही हमको लिखना है कि क्योंकि मैं 8.5% तक मेरा लिमिट, मेरी अपर इंटरेस्ट की कॉस्ट लिमिट करना चाहता हूँ, तो मुझे कैप ऑप्शन लेने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन लेने की ज़रूरत है, जिसमें मैं एक अपफ्रंट प्रीमियम दूंगा सामने वाले को, क्योंकि मैं ऑप्शन ले रहा हूँ, ऑप्शन में हम प्रीमियम देते हैं, ठीक है। तो जिस किसी पर्टिकुलर, और उसके कुछ फीचर्स होंगे, जिसमें नोशनल प्रिंसिपल होगा आपका 40 लाख रुपए, ठीक है, उसके बाद में आपका जो रेफरेंस रेट होगा, जिस रेट से कंपेयर किया जाएगा 8.5% को, 8.5% इज द स्ट्राइक रेट ऑफ कैप ऑप्शन। रेफरेंस रेट जो होगा वो उस दिन का फ्लोटिंग रेट होगा, उससे कंपेयर करेंगे 8.5% को। अगर वो रेट 8.5% से नीचे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, कम रेट पे आप बैंक को पे करो। लेकिन वो रेट अगर 8.5% से ज़्यादा रहा, तो बैंक को ज़्यादा पे कर रहे हो आप जहाँ से लोन लिया, तो उस दिन आपको कैप से आपको वापस पैसा मिलेगा। जो कैप सेल किया ना, जिसने भी आपको कैप सेल किया, उससे आपको बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज रिसिप्ट। तो मान लो 10% रेट है उस दिन, 10 इधर दिया बैंक को, क्योंकि हमारा क्या डिसाइड हुआ था, 8.5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 10 और 8.5% का डिफरेंस 1.5%, 1.5% अपन को कैप वाली पार्टी से मिल जाएगा, जिसने हमको कैप बेचा है, कैप सेलर, तो 1.5% हमारा रिसिप्ट हो जाएगा। ऐसे करके 4 साल तक चलता रहेगा। आ रही बात आपके समझ में? सो यही चीज़ें हमको रिटर्न में लिखनी है। फर्स्ट वाले पार्ट में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, एक चीज़ समझ लो, कैलकुलेशंस नहीं है। वी नीड टू गिव देम द रीज़न, मतलब द टूल, वो बोल रहे किस तरह से हम हेज कर सकते हैं रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सपेक्टेड राइज। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इन दैट, यही जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बोली, रिटर्न में मैं आपको बताता हूँ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। ध्यान देंगे, मेरे साथ पढ़िए। एज द बोरोवर डज नॉट वॉन्ट टू पे मोर देन 8.50% पर एनम, पेग करना चाहता है ऑन दिस लोन, वेयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू राइज बियॉन्ड दिस, हेंस ही कैन हेज द रिस्क बाय एंटरिंग इन टू इंटरेस्ट रेट कैप ऑप्शन। ये इंटरेस्ट रेट कैप, पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन क्या था पता है, ये बताना कि भैया हाँ, इंटरेस्ट रेट कैप इज द सोल्यूशन टू दिस। आंसर फिगर्स में नहीं चाहिए, जिसमें पैरामीटर्स ये रहेंगे आपके, ठीक है, क्या नोशनल प्रिंसिपल 40 लाख का, और स्ट्राइक रेट आपकी जो है ये 8.59, मत करो इसको, काटो, ये होगी 8.50%, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। रेफरेंस रेट क्या होगा उस दिन का, द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल फॉर दिस लोन, तो फ्लोटिंग रेट जो है, ठीक है, रेफरेंस रेट। फिर कैलकुलेशन एंड सेटलमेंट 31 मार्च को होगा,
जो हमने पहले डिसाइड किया, और फिर ड्यूरेशन क्या रहेगा टिल 31 मार्च 2016, ध्यान दे, ये रहा, ये 13, ये 14, 15 और ये 16, ठीक है। और प्रीमियम क्या होगा, अब ये प्रीमियम के बारे में पहले वाले पार्ट में कुछ नहीं बोला था, इसलिए हमने लिखा है कि निगोशिएबल बिटवीन बोथ द पार्टीज, क्योंकि आउट ऑफ द लाइक ओवर द काउंटर मार्केट में ये कैप ऑप्शन अगर एंटर हो रहा है तो ये पार्टी के बीच में डिस्कस होगा क्या प्रीमियम रहना है। उसके बाद ध्यान दो, टू परचेज द कैप दिस बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू पे प्रीमियम अप फ्रंट एट द टाइम ऑफ द बाइंग कैप्स, ठीक है। द पेमेंट ऑफ सच प्रीमियम विल एंटाइटल हिम विद द राइट, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको ये चीज बताई थी, एक बार प्रीमियम पे कर दिया तो अब मेरे पास में राइट आ जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में अगर मार्केट का रेट उस स्ट्राइक रेट से ज्यादा गया तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ये जो डिफरेंस दिख रहा है मेरे दोनों हाथों के बीच में, ये मेरे को कौन देगा, सामने वाली पार्टी। देखो क्या लिखा है, द पेमेंट ऑफ सच प्रीमियम विल एंटाइटल हिम विद द राइट टू रिसीव द कंपनसेशन फ्रॉम द सेलर ऑफ द कैप्स as soon as the rate of interest on this loan rises above 8.50%, the compensation will be at the rate of difference between the rate of interest applicable for the loan and 8.50% calculated on 40 lakhs. जो भी लोन होगा और ये 8.50% होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस किस पे कैलकुलेट करोगे, 40 लाख पे, क्योंकि ईयरली पेमेंट करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 8.5% से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी ऊपर आपने इधर दिया किसी पर्टिकुलर ईयर में वो आपको इधर से मिल जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट नन ऑफ द केसेस द कॉस्ट ऑफ दिस लोन विल राइज अबाउ 8.50%, दिस हेजिंग बेनिफिट इज रिसीव्ड एट द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ड्यू डेट्स एट द कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम जो कि आपने एक बार पे कर दी है। ये जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं ये आपको अलग अलग ड्यू डेट्स पे मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, पहला यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब अगर हमारा पहला वाला केस देखते तो हमको यहाँ पे कितना 8.50 से अगर कंपेयर करो 8.75 तो इतना यहाँ पे कितना मिलेगा 25, यहाँ अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ मिलेगा कितना 1.5%, और यहाँ अगर कंपेयर करो तो 2%, और यहाँ अगर कंपेयर करो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 7.75% आप ऊपर देख रहे हो, कम है, ज्यादा गया ही नहीं तो भाई इधर से लेना क्यों है कुछ भी, अगर बैंक को ज्यादा नहीं गया तो इधर से कुछ भी नहीं लोगे, बैंक को ज्यादा गया 8.5 से तो इधर से लोगे। चलो तो ये था आपके पहले पार्ट का आंसर जो आपको इतना लिखना है, अब इसमें से 2-3 लाइन आप एग्जाम में कम भी लिखो तो चलता है, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मैंने डिटेल में आपको लिख के दिया है कैप ऑप्शन पहला आंसर पहले पैराग्राफ का, दूसरा पैराग्राफ में आप पैरामीटर्स बता दोगे कि कैप ऑप्शन में क्या क्या चीजें रहेगी, तीसरा पैराग्राफ में आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दोगे कि भैया एक्चुअल में होता क्या है कैप ऑप्शन में। अब सेकंड वाला जो पार्ट है, ये सेकंड वाला पार्ट कैलकुलेशंस मांगता है। पहले वाले पार्ट में क्या दिया हुआ था कि बैंक ने एस्टिमेट किया अक्टूबर 2012 को अगले वाले 4 सालों में रेट्स क्या रहेंगे, दूसरा पार्ट ये बताता है कि एक्चुअल में रेट्स क्या थे, और अब आपको बताता है कि जो रेट्स थे और ये 8.5% का कैप ऑप्शन जो आपने लिया था, अब इनके साथ में सेटलमेंट बताओ कितना होगा, अमाउंट कैलकुलेट करनी है अब यहां पे। सो सेकंड वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दें, अज्यूम दैट द प्रीमियम निगोशिएटेड बाय बोथ द पार्टीज इज 0.75%, मैंने आपको बोला था कि प्रीमियम पहले देना पड़ेगा एडवांस में, पहले वाले पार्ट में कोई प्रीमियम नहीं था इसलिए हमने सिर्फ इतना लिखा यहां पे कि भैया निगोशिएबल है, ये रहा निगोशिएबल है बोथ द पार्टीज, तो ये जो निगोशिएट हुआ आप देखो यहां पे वर्ड है निगोशिएटेड, निगोशिएटेड बाय बोथ द पार्टीज इज 0.75% टू बी पेड ऑन 1 अक्टूबर 2012, जिस दिन सेंट्रल बैंक ने ये रेट्स लेके आए कि भैया आने वाले 4 सालों में क्या रहेगा, उसी दिन मैं कैप ऑप्शन में एंटर कर गया, मैंने कैप ऑप्शन खरीदा कैप सेलर से, आई एम द कैप बायर, ही इज द कैप सेलर, ही इज गोइंग टू टेक द प्रीमियम बिकॉज ही is providing me the hedging towards the risk. So I am the cap buyer, I am going to pay the premium. And the actual rate of interest, अब ये word ध्यान में रखो भाई, actual rate of interest, और ऊपर अगर आप देखोगे ना ये projections लिखे हुए हैं आपको. So actual rate of interest on the respective due dates happens to be as ऑन 31 मार्च 2013 को 2.10.2, 11.5, 9.25 एंड ऑन मार्च 31 2016 इट्स 9% एंड 8.25%,
अब दिक्कत क्या हुई है, 31 मार्च 2016 के आपको दो रेट दिए हुए हैं। अब हो सकता है एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा तो कोई मिस्टेक हुई हो, प्रिंटिंग मिस्टेक, एक रेट एक्स्ट्रा आ गया। हो सकता है कि कुछ वर्डिंग्स इसमें से गायब हो, क्योंकि प्रीमियम कैलकुलेट करके अगर आप इक्वली बांटना चाहो, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, तो 8.25% कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट आप यूज करोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्वेश्चन है कैप ऑप्शन का, जिसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, जो कि यहाँ पे कहीं और मेंशन नहीं किया गया, तो 8.25% को आप मान सकते हो। लेकिन फिर भी, बट सेकंड वाले पार्ट में पहले ही सेंटेंस में लिखा हुआ है कि अप फ्रंट प्रीमियम पे करना है, तो ये बांटने वाली बातें कहीं आती नहीं, तो मेरे को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत भी नहीं है, तो ये 8.25% एक्स्ट्रा लिया गया है। व्हाट आई कैन डू, आई विल टेक द अजम्पशन इन दिस क्वेश्चन। एक अजम्पशन ये है कि मैं सिर्फ 9% लूंगा, 8.25% को इग्नोर कर दूंगा। दूसरा अजम्पशन है कि 9% को इग्नोर करके 8.25% को ले लूंगा। तीसरा अजम्पशन है कि दोनों का एवरेज ले लूंगा। यू कैन टेक एनीथिंग इनमें से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई तो इंटरेस्ट रेट दिखाना है, मैं 9% को काट कर दूंगा। मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि 9% नहीं है, आई हैव टेकन 8.25% ओनली। सर क्यों पहला वाला रेट क्यों काटा, हम होते तो हम पहला वाला रेट लेते, दूसरा वाला रेट काटते। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, चारों जो इंटरेस्ट रेट आपको दिए हुए हैं, सारे के सारे, अगर आप 9% ले लो तो सारे के सारे 8.5% से ऊपर है, तो सारे के सारों में आपको कैप रिसिप्ट दिखेगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे को कैप रिसिप्ट दिखे, और कोई कोई पर्टिकुलर टाइम ऐसा भी है जिसमें मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, तो ये जो 8.25% है ये 8.5 से नीचे है, इसमें मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आई एम टेकिंग 8.25%, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। शो हाउ द सेटलमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द पर्सपेक्टिव इंटरेस्ट ड्यू डेट्स। अब ये एक्चुअल में बात कर रहा है कि उस दिन की चार जो ड्यू डेट्स है, उस दिन की चार ड्यू डेट्स पे मेरे को सेटलमेंट बताओ क्या होगा, तो हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब सो 2014 15 16 13 14 15 16। अच्छा, हम पहले प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रीमियम हम कितना पे करेंगे। इन्होंने बताया 0.75% हमको प्रीमियम पे करना है। सो प्रीमियम का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। थर्टी थाउजेंड या आप प्रीमियम पे कर दोगे अप फ्रंट, ठीक है। एक बार प्रीमियम पे कर दिया बिगिनिंग में, मैं आपको यहां पे टाइमलाइन बना देता हूँ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। दिस इज 2000, दिस इज 13, 14, 15, 16। यह है अक्टूबर 12। इस दिन आप 30,000 रुपये दे दोगे, ठीक है। अब आने वाले चार जो सेटलमेंट डेट्स है उसमें एक्चुअली क्या होगा, उसमें हम लेते हैं पहले तो ईयर ले लेते हैं, हमारा जो टाइम है। अब देखो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया सेकंड पार्ट के लिए। पहला पार्ट है डेट, चार डेट्स है, चार जगह लिख देंगे, स्पॉट रेट लिखेंगे, स्ट्राइक रेट लिखेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे और सेटलमेंट अमाउंट निकालेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। सो फर्स्ट हो गया आपका 2013, 15, 16। स्पॉट रेट, उस दिन के स्पॉट रेट्स 10.2, 11.5, 9.25 एंड 8.25। फिर से भूल गया मैं, 10.2, 11.5, दो दो करके लिखता हूँ। फिर वही गलती होगी, 11.5 है, 9.25।
और मेरा स्ट्राइक रेट क्या है पूरे टाइम 8.50। अब ये कॉलम नहीं भी लिखो तो चलता है, शायद सच कोई रिजिडिटी नहीं है कि आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। तो भाई पहली बात, सेटलमेंट अमाउंट देखो, इट विल बी द मैक्सिमम ऑफ जीरो या एस माइनस के, निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो एस माइनस के इज स्पॉट रेट माइनस स्ट्राइक रेट। तो पहला वाला देखो, स्पॉट रेट माइनस स्ट्राइक रेट इज 10.2 माइनस 8.50। मेरा क्या डिसाइडेड था, 8.5% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कितना गया, 10.2%। कितना ज़्यादा गया, 1.7% ये मेरे को मिल जाएगा उस दिन। तो सेटलमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करूँगा, ध्यान दीजिए। टेन पॉइंट टू माइनस 8.50% मल्टीप्लाइड बाय 40 लैक्स, फिर 11.50 माइनस 8.50% मल्टीप्लाइड बाय 40 लैक्स, फिर 8.50 क्योंकि ज्यादा जा रहा है। और नेक्स्ट देखो, 8.25 माइनस 8.50, मैंने 8.25% दिया, इधर 8.50 की लिमिट थी, तो यहां कुछ कैप रिसिप्ट होनी है क्या, नहीं कुछ भी नहीं, सो इट विल बी निल, ठीक है। सो ₹68,000 ₹1,20,000 ₹30,000। सो ये आपकी फाइनल अमाउंट है, 68, 120, 30 एंड nil। यार आप देखो, एक बार आपने प्रीमियम के पे किया 30,000 का बिगिनिंग में, ठीक है, 68, 120, 30। सो आपने प्रीमियम के पे किया 30 का, उसके बाद आपको यहाँ पे 68,000 मिल रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे 120,000 मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे 30,000 मिल रहा है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो फायदे में ही तो हो अल्टीमेटली, और चाहिए क्या जिंदगी में। सो दीज आर कॉल्ड एज कैप रिसिप्ट। मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, अगर आपको ये भी नहीं लिखना सेटलमेंट अमाउंट में, आप ये जरूर लिख देना वहां पे कि भैया दिस इज व्हाट, दिस इज कैप रिसिप्ट, या तो जीरो होगी या तो फिर कुछ अमाउंट होगी। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। वन अजम्पशन यू शुड राइट डाउन इन दिस क्वेश्चन इज नाइन, क्या रेट था वो, सॉरी ये जो 9% है आपका, इसको आपने इग्नोर किया है। या तो इन दोनों का एवरेज ले लो, एवरेज लेना भी आई डोंट थिंक सो फिजिबल या अप्रोप्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि दो रेट एक दिन में नहीं हो सकते, अब पहले भी तो नहीं दिए ना। तो 9% में इग्नोर करके चल रहा हूँ, 8.25% में कंसिडर करके चल रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई होप यू गॉट द आंसर अबाउट इट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज मेक श्योर यू आस्क मी, all your queries will be answered, and if this video is going to be uploaded on the YouTube, I will answer the queries for 2 days from the date of uploading the video. So bye bye. Hey hi everyone, this is Mayank Kotaria, and today in this video we are going to discuss a question on the mergers and acquisition, and this is a very basic question. So let's have a look on the question and then we'll see how to solve it. East Company Limited is studying the possible acquisition of Fost Company Limited. East और Fost दो कंपनी है। East Company Fost Company को acquire करना चाहती है by way of merger. The following data are available in respect of the companies. East Company का और Fost Company का आपको दोनों का earnings after tax दिया हुआ है, equity shares कितने हैं, market price कितनी है, और उसके बाद question क्या पूछा हुआ है।
अगर मर्जर गोज थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर एंड द एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस, क्या होगी नई अर्निंग ईस्ट कंपनी लिमिटेड की मर्जर के बाद? पोस्ट मर्जर अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस. उसके बाद फोर्ट कंपनी लिमिटेड वॉन्ट्स टू बी श्योर. फोर्ट कंपनी कौन है जो बेच रही है अपनी कंपनी टारगेट, वो इंश्योर करना चाहती है कि मर्जर के बाद हमारे जो शेयर होल्डर है उनकी अर्निंग कम ना हो. मतलब किसी के पास अगर यहाँ एक शेयर है, ठीक है, किसी के पास अगर यहाँ एक शेयर है और वो यहाँ पे आता है अपना शेयर बेच के आपकी कंपनी में कुछ शेयर्स लेता है, एक लो, दो लो या आधा लो, कितना भी लो, लेकिन उसकी अर्निंग टोटल उतनी ही रहनी चाहिए, डिमिनिश नहीं होनी चाहिए. तो व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इन दैट केस? बहुत ही सिंपल है. अगर हम चाहते हैं कि अर्निंग्स कम ना हो तो अर्निंग्स को बेसिस बनाओ, अर्निंग पर शेयर को बेसिस बनाओ एक्सचेंज रेशियो के लिए. पहले वाले में मार्केट प्राइस पर शेयर बेसिस बन जाएगी, दूसरे वाले में अर्निंग पर शेयर. सो बहुत ही ईजी और आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम उसको. फर्स्ट वाला पार्ट एक्सचेंज रेशियो, यहाँ कैलकुलेट करूँगा मैं. मार्केट प्राइस के बेसिस पे, मार्केट प्राइस 15 और 12 दी हुई है आपको. सो टारगेट कंपनी की 12, मेरी 15 जो मैं एक्वायर करना चाहता हूँ. मार्केट प्राइस हायर होना अच्छी बात होती है, इसलिए टारगेट कंपनी का ऊपर और बाकी नीचे रख रहा हूँ, यानी कि 0.80:1. हर एक शेयर के लिए उनके मेरा 80.80 शेयर मिलेगा, ठीक है. सो हम क्या निकालना चाहते हैं, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स, पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर. बहुत ही आसान है, हमको इसके लिए लगेगा पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स विच इज़ नथिंग बट 2,60,000. That's 2,60,000. और फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पोस्ट मर्जर, पहले मेरे इक्विटी शेयर्स कितने थे सर? 40,000. 40,000. अब उनके जो 10,000 थे इसके बदले आपने हर एक के बदले 0.80 दिया तो 8,000 हो जाएंगे, तो ये हो गया 48,000. दिस इज योर पोस्ट मर्जर ईपीएस. दो लाख 60,000 डिवाइडेड बाय 48,000, 5.4167. चालीस हजार इंटू पॉइंट एट्टी सॉरी 10,000 इंटू 0.80 प्लस 40,000, 48,000. ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट ये हो गया. सेकंड बी, एक्सचेंज रेशियो अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे होगा. और ईपीएस निकाल कर दिया है क्या? नहीं निकाल कर दिया, हम निकालेंगे. should be on the basis of earning per share. So earnings after tax number of shares or earning per share. दो कंपनीज है हमारे पास, ईस्ट और फोस्ट. दो लाख और 60,000 नंबर ऑफ शेयर 40,10.
सो ये 5 और ये 6, देयर फॉर एक्सचेंज रेशियो 6:5, यानी कि 1:1.2:1। तो ये आपके दो आंसर हो गए। मतलब यहाँ उनको 10,000 के बदले 12,000 शेयर मिलने चाहिए, 1.2 × 10,000, हर 10,000 एक, जो 1.2:1 मैंने लिखा ना उसमें एक यानी कि उनका है 1.2, यानी हम हमारा दे रहे, यहाँ पे एक उनका था 1.80, हम हमारा दे रहे थे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द पोस्ट मर्जर अर्निंग एंड द एक्सचेंज रेशियो। आई थिंक उन्होंने एक्सचेंज रेशियो ही पूछा, उसके अलावा दूसरे में कुछ पूछा नहीं है। ये तो फोकट के 8 मार्क्स थे, मैं तो बता रहा हूँ आपको व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो इन दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको नवंबर 2017 में पूछा गया था। सो जस्ट नोट डाउन दिस आंसर एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन। बाय बाय। सो हाई एवरी वन, दिस इज मयंक कोठारिया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस फॉरन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द हेजिंग ऑफ द फॉरन करेंसी रिस्क। इन दिस क्वेश्चन वी आर एक्सपोर्टर, वी हैव एक्सपोर्टेड सम गुड्स इन द फॉरन कंट्री एंड दैट इज आई थिंक US। हमने US में कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए दैट इज वर्थ $20 million। $20 million के हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए और उसके बाद में वो वाली पार्टी हमको आज से ठीक 3 महीने बाद पैसे देने वाली है। और अब इस 3 महीने बाद जो पैसा आपको आने वाला है डॉलर वाली करेंसी में, इसको हेज कैसे करना है, क्योंकि शायद 3 महीने बाद जब पैसा आएगा तो हो सकता है कि उस दिन एक्सचेंज रेट आपके फेवर में ना रहे। इसलिए आज आप कोई एक्शन करना, एक्शन लेना चाहते हो और उसको हेज करना चाहते हो। 3 ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। JKL लिमिटेड इज एन एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस। द कंपनी प्रिपेयर्स इनवॉइस इन द कस्टमर्स करेंसी, खुद की करेंसी में नहीं कस्टमर की करेंसी में। इट्स डेटर ऑफ US $20 million इज ड्यू ऑन 1 अप्रैल 2017। मार्केट इंफॉर्मेशन जो है एज एट January 1, 2017 इज एज फॉलोस। कितने के डेटर? $20 million के। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद आपको मिलने वाले हैं। कैसे पता लगा? सर 1 अप्रैल ऊपर लिखा हुआ, नीचे 1 जनवरी लिखा हुआ। जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल तो 1 तारीख को ही आ रहा, तो कोई अप्रैल को काउंटिंग नहीं करेंगे। एक्सचेंज रेट आज के दिए हुए डॉलर पर INR में, यहीं पे आपको स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये जो रेट्स दिए हुए ये इनडायरेक्ट कोट्स है। इसमें बेस करेंसी मेरी खुद की होम करेंसी है और प्राइस करेंसी फॉरेन करेंसी है। स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है, हर 1 रुपये अगर आपको खरीदना है तो 0.016667 और 1 मंथ के फॉरवर्ड रेट और 3 मंथ्स के फॉरवर्ड रेट भी आज आपको दिए हुए हैं। अगर आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 3 महीने वाला आपको फॉरवर्ड रेट लगेगा, 1 महीने वाला तो बस ऐसे ही दिया हुआ है। करेंसी फ्यूचर्स की भी डिटेल दी है। अगर आपको फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग करना है तो कॉन्ट्रैक्ट साइज है 31021218 US डॉलर पर INR। अब उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे गलती की, ये 31 मिलियन के रुपीज़ होने चाहिए थे। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस मैनुअल में भी है, वहाँ पे प्रॉपरली दिया गया है। यहाँ 31 मिलियन के आगे रुपीज़ का सिंबल दिया होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। 1 मंथ और 3 मंथ्स के फ्यूचर्स के रेट भी दिए हुए हैं, हमको लगेगा 3 मंथ्स का फ्यूचर। फॉरवर्ड चाहिए तो 3 मंथ, फ्यूचर्स चाहिए तो 3 मंथ्स। अब इनिशियल मार्जिन और इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया। इनिशियल मार्जिन कब लगता है? सर जब आप फ्यूचर्स खरीदते हो या बेचते हो ना, तब इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट कराना पड़ता है सेबी के पास में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज के पास में, सॉरी। तो आपको कौन सा इनिशियल मार्जिन लगेगा, 1 महीने का या 3 महीने का? सर हम 3 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं ना, तो 3 महीने वाला मार्जिन लगेगा, दैट इज़ 50,000, जिसका इंटरेस्ट रेट है 8%। मतलब अगर 50,000 रुपीज़ आज आप बोरो करोगे साल भर के लिए तो 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली इस पे कि हम तो सिर्फ 3 महीने के लिए बोरो कर रहे हैं ना, आज आप बोरो करोगे 3 महीने के लिए तो 8% पर एनम रेट लगेगा, तो लॉजिकली स्पीकिंग आपको कितना परसेंट देना है? 2% 3 महीने के लिए। ऑन April 1, 2017 द स्पॉट रेट जो आपको दिया हुआ है वो है 0.016136 एंड द करेंसी फ्यूचर रेट इज 0.016134। एक अच्छी चीज है, यहां से आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि जब मेच्योरिटी आ जाती है ना फ्यूचर्स की, तो उस दिन का स्पॉट रेट और उस दिन का फ्यूचर्स रेट ऑलमोस्ट सेम होता है या सेम होना चाहिए थियोरेटिकली। अब यहां पे भी देखोगे तो आखिरी में सिर्फ 6 है और यहां पे सिर्फ 4 है। स्पॉट रेट्स देखो, स्पॉट मार्केट के और फ्यूचर्स के जो रेट है उस दिन के 1 अप्रैल 2017 के सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी मोस्ट एडवांटेजेस टू JKL लिमिटेड अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेता है, करेंसी फ्यूचर्स लेता है या फिर हेजिंग करता ही नहीं? अब मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। पहले अगर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो 3 महीने वाले रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा।
फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो कैलकुलेशन अपने बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि पहले इनिशियल मार्जिन, पहले तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल मार्जिन लोन लेके आके देंगे, फिर मेचोरिटी पे सेटलमेंट करेंगे, फिर रीपेमेंट करेंगे। सिर्फ सेकंड वाला जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लेंदी है, बाकी फर्स्ट और थर्ड तो बहुत ईजी है। बट कंसिडरिंग द सेम क्वेश्चन हैज़ बिन आस्ड इन नवंबर 2017 एंड अर्लियर ऑल्सो, दिस क्वेश्चन विल बी अ बोनस ऑफ अ बोनस मार्क्स टू द स्टूडेंट्स। लेट्स हैव अ लुक। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो अब अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो फॉरवर्ड रेट पे कन्वर्जन होगा, जो कि 0.016129 है, ठीक है, 3 महीने बाद। तो रुपी की वैल्यू हमको निकालनी है। मैं यहाँ ले लेता हूँ। सो व्हाट विल हैपन, 20 मिलियन US डॉलर को आप कन्वर्ट करोगे ना, ये US डॉलर में है, ठीक है, और जो आपको रेट्स दिए हुए हैं ना वो भी US डॉलर में है। 0.01667 इज डॉलर पर रुपी, तो 0.01667 इज डॉलर जो कि यहाँ लिखने वाले हो, ये भी है डॉलर। जब करेंसी सेम होती है तो हम उसको डिवाइड करते हैं, कितना 6 है 3, तो इससे आपको रुपी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ लिख ले रहा हूँ फाइनल बाहर आंसर, एलेवन ट्रिपल 9 7 6 000। सो दिस इज ऑलमोस्ट 1,119,000। बाप रे, बहुत बड़ा फिगर है। कोई बात नहीं, दूसरा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब पहली चीज, अंडरलाइंग असेट क्या है फ्यूचर्स में, सबसे पहले ये डिसाइड करो, क्योंकि यहीं से गलतियां होना शुरू हो जाती है लोगों की। आपको जो लॉट साइज दिया है वो रुपीज में दिया हुआ है, 31,021,218, ये रुपीज में है, ठीक है। और अगर करेंसी फ्यूचर्स का आप रेट भी देखोगे तो वो भी डॉलर पर रुपीज में है, तो रुपीज इज द असेट। ठीक है, INR वाली करेंसी आपकी असेट है। तो अगर आप बोलोगे मेरे को फ्यूचर्स खरीदना है, मतलब आप INR खरीदना चाहते हो। अगर आप बोलोगे कि मेरे को फ्यूचर्स बेचना है, मतलब आप INR बेचना चाहते हो। फ्यूचर्स खरीदना यानी असेट खरीदना, दूसरी करेंसी नहीं। फ्यूचर्स बेचना यानी असेट बेचना, दूसरी करेंसी नहीं। नाउ असेट क्या है? INR। तो अब INR के साथ आप क्या करना चाहते हो 3 महीने बाद में? सर मेरे को डॉलर वहां से आएंगे, मैं 3 महीने बाद डॉलर बेचूंगा, इसका मतलब मैं रुपीज खरीदूंगा। रुपीज आप खरीद रहे हो तो फ्यूचर्स भी खरीदना पड़ेगा। ये मैं आपके पर्पस के लिए ले रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना। आफ्टर 3 मंथ्स वी वॉन्ट टू बाय INR एंड सेल US डॉलर, ठीक है। अंडरलाइंग असेट INR है, ठीक है, हेंस बाय फ्यूचर्स। नाउ एक चीज होगी, दूसरी चीज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना खरीदना चाहते हो। अब आपको हेजिंग करनी है 20 मिलियन US डॉलर में, ठीक है, और रेट जो दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइज 31,021 दिया हुआ है,
31021218, ठीक है। लेकिन पंगा ये है कि ये है रुपीस में और ऊपर वाला है डॉलर में, तो क्या डॉलर डिवाइडेड बाय रुपीस कभी कर सकते हो? उससे कुछ आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए न्यूमरेटर वाले, अब ये तो करेंसी फ्यूचर्स का लॉट साइज है, सामने वाले ने कोट किया है, एक्सचेंज ने कोट किया, इसको आप बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते। अपनी करेंसी को बदल दो, डॉलर को आप रुपीज में कन्वर्ट करो, तो डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करने का फ्यूचर्स का रेट क्या है? 0.016118। अब न्यूमरेटर वाला पार्ट रुपीज में हो गया, डिनोमिनेटर भी रुपीज में हो गया, तो अब डिनोमिनेटर से आपको न्यूमरेटर में पता चल जाएगा कि चलो डॉलर के टर्म्स में 20 मिलियन हेज करना चाहता था, लेकिन रुपीज के टर्म्स में कितना आ रहा है? फोर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट, ठीक है। आप सर 40 कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हो, इनिशियल मार्जिन, आप देखो इनिशियल मार्जिन का कैलकुलेशन, इनिशियल मार्जिन आप दोगे कितना? कब दोगे आप? टाइम जीरो पे, और 3 महीने वाला 50,000 इंटू 40, तकरीबन ये होते हैं 20 लाख रुपए। ये आप इनिशियल मार्जिन दोगे, सो इनिशियल मार्जिन आप दोगे, बोरो किया आपने, बोरो एंड पे द इनिशियल मार्जिन, सो आप बोरो कितना करोगे? 20, जीरो टाइम पे कैश फ्लोज, तो ये आपने बोरो किए तो प्लस साइन, पे किया तो माइनस साइन, 20 लाख रुपीज़ का इनिशियल मार्जिन आपने स्टॉक एक्सचेंज के पास डिपॉजिट कराया, तो उसने आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचे तो आपने खरीदे। अब मैच्योरिटी पे क्या होगा? डी सेटलमेंट, थ्री मंथ्स। अब सेटलमेंट करना है यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है। फ्यूचर्स जब भी आप खरीदते हो तो वो कैश में सेटल होता है, ठीक है। तो आपने अगर पहले बाय किया था फ्यूचर्स, तो पहले बाद में सेल कर दो, आपको जो नेट अमाउंट है वो स्टॉक एक्सचेंज दे देगा। सेल किया था तो बाय कर लो, नेट अमाउंट है स्टॉक एक्सचेंज दे देगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, और अगर नुकसान हो रहा है तो ले लेगा। आपका बाय का रेट था 0.016118, आप सेल कर दो फ्यूचर्स। सेल करोगे कब? सेल कर रहे हो 3 महीने बाद सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फ्यूचर्स सेल कर रहे हो, तो फ्यूचर्स के रेट पे आप सेल करोगे वो के, जो कि है 0.016134। तो आप देख रहे हो सेलिंग रेट आपको ज्यादा दिख रहा है, सो आपको ये गेन आएगा, डॉलर पर रुपीस का गेन, हर रुपी पे कितना गेन? 0.00016 का गेन। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितनी थी सर? रुपीस, हर एक रुपए पे इतने डॉलर का गेन आया है आपको, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज कितनी थी आपकी? 20 लाख डिवाइडेड बाय 0.016118। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 31021218 इंटू 40 कॉन्ट्रैक्ट्स, 124, ठीक है। या आप दूसरी तरीके से भी उसको लिख सकते हो, 20,000,000.016118 सेम अमाउंट आएगा। तो आपको कितने डॉलर का फायदा हो रहा है ये यहाँ पे पता चल जाएगा। $19,853.58।
ठीक है, अब देखो लास्ट पार्ट। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कितने मिलेंगे आपको 3 महीने बाद? 20 मिलियन US डॉलर। रिसीव्ड फ्रॉम एक्सचेंज, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा आपको ये 19853, 19853.58, ठीक है। सो 20 मिलियन है ना, प्लस 19, तो ये डॉलर हो गए आपके 20018.54, 3.58। अब इसका क्या करोगे सर? स्पॉट रेट पे कन्वर्ट हो जाएंगे ये सारे के सारे। स्पॉट रेट है 0.016136। INR वैल्यू आ जाएगी आपके। क्यों स्पॉट रेट पे कन्वर्ट हो जाएंगे सर? 20 मिलियन US डॉलर तो हमने फ्यूचर्स में बेच दिए थे, आपने डॉलर्स नहीं बेचे थे, आपने कॉन्ट्रैक्ट बेचा था। डॉलर्स तो मिलेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और बेचा था, तो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा बेचा तो आपको प्रॉफिट मिल गया, कहानी खत्म हो गई। एक्चुअल में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ उधर, वन टू फोर जीरो सिक्स नाइन 4941, 12406 9, 4942, क्योंकि फिगर्स बड़ी है तो दो बार चेक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। इतना INR आपको मिला, लेस इंटरेस्ट ऑन इनिशियल मार्जिन। देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं यहाँ पे कहीं पे भी लिख नहीं रहा हूँ। इनिशियल मार्जिन आपने 20 लाख का पहले बोरो किया था और पे किया था, जीरो हो गया। मेच्योरिटी पे स्टॉक एक्सचेंज आपको 20 लाख रुपए का डिपॉजिट वापस दे देगा, कैश इनफ्लो। लेकिन ये 20 लाख रुपए का प्रिंसिपल आप जिससे लोन लिया था उसको वापस दे दो, कैश आउटफ्लो, इफेक्ट जीरो। एक्स्ट्रा इफेक्ट जो जाएगा सिर्फ जो उसको इंटरेस्ट जा रहा है 20 लाख के साथ में, तो वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 20 लाख पे 3%, सॉरी 2% इंटरेस्ट लगेगा आपको, क्योंकि 8% साल भर के लिए, 3 महीने के लिए 2% हो गया। 40,000 का इंटरेस्ट आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आ रहा है 1240। वन टू फोर जीरो सिक्स नाइन फोर नाइन फोर टू माइनस 40,000, 12406.5 रुपीज़, 12406.5, 4942। बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स दे दिए यार, बच्चे को ऐसे ही परेशान करने का काम ही है। तो ये आ गया आपके फ्यूचर्स में सारी डिटेल। लास्ट वाला ट्रांजैक्शन आपका नो हेजिंग। अगर आप कुछ हेजिंग नहीं करते तो क्या होगा? आप कुछ हेजिंग नहीं करोगे तो ये 20 मिलियन जो आपको रिसीव हो रहे हैं वो स्पॉट रेट पे कन्वर्ट हो जाएंगे, कहानी खत्म। जो उस दिन का स्पॉट रेट है, ज़्यादा तो ज़्यादा, कम तो कम। देखो क्या हो रहा, वन टू थ्री नाइन फोर्टी सिक्स, फोर फाइव फाइव वन। सो अब आप यहां से अंदाजा लगा लो आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा। मेरे हिसाब से तो बेस्ट बन रहा है आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फ्यूचर्स में सबसे ज्यादा रुपीज मिल रहे हैं मेच्योरिटी पे, इसमें कम
और लास्ट वाले में भी कम मिल रहे हैं. सो गो अहेड विद द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो कंपनी ने किससे हेजिंग करनी चाहिए? फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग करनी चाहिए. क्या पूछा है देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट एडवांटेजियस टू जेकेएल लिमिटेड? नाउ इफ यू हैव टू राइट डाउन, वी कैन राइट डाउन हियर. एक करेक्शन है बस आपका यहाँ पे. आपको 20 मिलियन के जो मैंने फिगर ली थी वो गलती से स्पॉट रेट ले ली थी. वो हम 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट लेंगे, वो जो कि है 0.016129. ठीक है, ये और इसकी वैल्यू फिर यहाँ पे आ जाएगी 124000. ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है आपका, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा. फ्यूचर्स वगैरह बाकी सारी प्राइसेस आपकी सेम है और अल्टीमेटली डिसीजन भी अपना सही है. सो इतना करेक्शन कर लो, उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. बाय बाय. हे हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन क्वेश्चन ऑन द डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर. सो डिविडेंड पॉलिसी का ये क्वेश्चन है और उसमें हमको ये डिसाइड करना है कि कंपनी जो अभी तक डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करते आई थी उस डिविडेंड पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और दूसरा उसके बाद मार्केट में शेयर की प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन. आपके सामने क्वेश्चन है, रहीम एंटरप्राइजेस इज अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ वुलन गारमेंट्स टू यूरोपियन कंट्रीज. एक रहीम एंटरप्राइजेस कंपनी है, मैन्युफैक्चर करता है और एक्सपोर्ट करता है वुलन गारमेंट्स कहां पे, दूसरे देशों में. Their business is expanding day by day and in the previous financial year the company has registered 25% growth in the export business. यहाँ तक कहानी आपके कुछ काम की नहीं है, unnecessary है. आगे देखो, the company is in the process of considering a new investment project. It is an all equity financed company with 10 lakh equity shares of face value of rupees 50 per share. अब यहाँ पे क्वेश्चन में गलती है, इन्होंने लिखा है यहाँ पे द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. आगे जाके जब अगर हम देखेंगे, जब क्वेश्चन खत्म होएगा तो आपको और एक नया प्रोजेक्ट दिखेगा और मेन प्रोजेक्ट वो है जो क्वेश्चन में काम आने वाला है. सो टोटल कंपनी ने कंपनी शुरू की गई जो कि इक्विटी फाइनेंस्ड है, 10 लाख रुपए और 50 पर शेयर उसकी फेस वैल्यू है और उसकी करंट इश्यू प्राइस जो है वो है 125x डिविडेंड. एनुअल अर्निंग्स आर 25 पर शेयर. टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इस कंपनी में? 10 लाख. अर्निंग कितनी? 25 रुपए पर शेयर. सो टोटल अर्निंग कितनी होगी? 250 लाख रुपए, 250 लाख रुपीज, 10 लाख × 25. एंड इन द अब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन परपेचुटी. मतलब अभी कंपनी में 10 लाख शेयर्स है जिसकी मार्केट प्राइस 125 है, जिसकी फेस वैल्यू 50 है और ये कंपनी अब हर साल जो कमा रही है वो है 25 रुपए पर शेयर, यानी 250 लाख रुपए, 250 लाख रुपीज हर साल कमा रही है. और अगर कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करके उसको एक्सपांड नहीं किया गया तो यही कमाती रहेगी 25 रुपए. ठीक है, अब आगे देखो, अब आती है बात अपने जो क्वेश्चन में काम आने वाली है. ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट प्रेजेंट, जितना भी कमाते हैं सब बांट देते हैं, 100% डिविडेंड पेआउट रेशियो. अ न्यू इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल विच विल कॉस्ट 175 लाख रुपीज इन 1 ईयर्स टाइम एंड विल प्रोड्यूस एनुअल कैश इनफ्लोज देयर आफ्टर ऑफ 50 लाख. एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिविडेंड पेमेंट एंड शेयर प्राइस. अब क्वेश्चन ये आपको बोल रहा है कि हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ग्रोथ रुक जाएगी ना. 175 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं अगले साल, अभी नहीं, एक साल बाद, और उसके बाद दूसरे साल से 50 लाख रुपए का कैश इनफ्लो एक्स्ट्रा होना शुरू हो जाएगा इस प्रोजेक्ट से. अभी कितना कमा रहे हैं? 250 लाख रुपीज, उसमें 50 लाख रुपीज और जुड़ जाएंगे.
सो दैट विल बी एन एडिशन टू द कंपनी. नाउ विद गिवन दीज डिटेल, ये जो एक्स्ट्रा 175 लाख और 50 लाख है, इसका आपको बताना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है डिविडेंड पेमेंट पे और शेयर की प्राइसेस पे. हैव अ लुक. करंट मार्केट प्राइस इज 125 और करंट डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर विच इज 25 आई थिंक, है ना, 25 रुपये, क्योंकि हम 100% बांट दे रहे हैं इसलिए डिविडेंड और अर्निंग्स सेम है. इफ द न्यू इन्वेस्टमेंट इज टेकन अप, अगर आपने नया इन्वेस्टमेंट किया तो क्या होगा, कंपनी आज से एक साल ऑपरेट करेगी, 250 लाख रुपीस कमाएगी और आज से ठीक एक साल बाद 175 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 250 लाख रुपीस में से 175 यूज़ किए जाएंगे, तो उस साल डिविडेंड कम जाएगा और एक साल का. पहले साल का डिविडेंड कितना रहेगा, डिविडेंड फॉर ईयर वन ₹25 बांटती आई थी ना कंपनी, ठीक है, माइनस 175 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, ₹25 अर्निंग पर शेयर थी पहले वाली, उसमें से आप पर शेयर इन्वेस्टमेंट हटा दो तो वो हो गया आपका 175 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो बचेगा कितना, 50, 17.5 हटा दो, 7.5 रुपये बचेगा. सो द फर्स्ट ईयर के लिए डिविडेंड 7.5 पर शेयर, सीधा 25 से गिर के पहले साल के लिए 7.5 हो गया, ये देखो, ठीक है, अर्लियर यहाँ आपको 25 मिलता था, 25 मिलता था और 25 मिलता था, अब आपको यहाँ पे 7.5 मिलेगा, 7.5, क्यों, क्योंकि 25 में से 17.5 पर शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ कर लिया गया, ठीक है. फॉर बाद में क्या होगा, डिविडेंड फॉर ईयर टू ऑनवर्ड्स, बहुत ही सिंपल, 25 तो मिल ही रहा था पहले एज अ होल डिविडेंड, ठीक है, वो प्लस अब 50 लाख रुपए और आप अर्न करने लग जाओगे तो आपका डिविडेंड 30 पर शेयर हो जाएगा दूसरे साल से. तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन द डिविडेंड, ये मैंने दो चीज़ें जो कैलकुलेट की है वो इम्पैक्ट ऑन डिविडेंड है, कि हाँ ठीक है पहले 25 था अब 7.5 और 30 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे ख़त्म. सेकंड पार्ट वो पूछ रहे हैं मार्केट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. अब मार्केट प्राइस अभी 125 है, ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद है कि नहीं है. अगर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके आपकी कंपनी में फ़ायदा हो रहा है नेट में तो शेयर की प्राइसेस बढ़ेगी, और नुकसान हो रहा है तो शेयर की प्राइसेस गिरेगी. अब आपको ये पता करना है कि इस प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है. पॉजिटिव आई तो उतने अमाउंट पर शेयर से शेयर प्राइस बढ़ जाएगी, निगेटिव आई तो शेयर प्राइस कम हो जाएगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू.
एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लोज सेकेंड ईयर से हो रहे हैं, ठीक है। सो 50 लाख डिवाइडेड बाय, अच्छा कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगेगा। अब हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास में नहीं है, मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नथिंग बट डिविडेंड डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस। डिविडेंड अमाउंट अभी तक कितना दे रहे आ रहे थे, 25 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितनी थी, 125। तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे आ जाएगी 20%। और कैसे निकाला सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डिवाइड डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस? ये ध्यान दो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। अच्छा, 1 + ग्रोथ - ग्रोथ, ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। ग्रोथ व्रोथ तो है ही नहीं अभी, क्योंकि कॉन्स्टेंट 25 रुपीज़ कमा रहे हो आप हर साल, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट रखना। वो जो 25% ग्रोथ दिखा रहा है वो ग्रोथ है अपना वुलन गारमेंट्स का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो 25% ग्रोथ है इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद ये पूरी इक्विटी फाइनेंस्ड और नई कंपनी है और इसके 125 रुपये प्राइस है, ठीक है। द करंट इश्यू प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 125 एक्स डिविडेंड, ठीक। तो अब क्या होगा, इसीलिए ये ग्रोथ हम हटा दिया यहां से। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 25, मार्केट प्राइस, अच्छा फिर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस बन गया। सो 25 / 125 दैट गोज़ टू 20%, वही चीज़ हमने वहाँ की। सो 25% आ गया। तो परपेचुटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब आपको ये पता है कि यहाँ ले लेता हूँ, सेकेंड ईयर से 50 लाख आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और ये परपेचुअली आएंगे। जिस भी टाइम से कैश फ्लो निकाल रहे हो तो उसकी परपेचुटी की वैल्यू आके यहाँ पे रुकती है, 1 साल पहले 50 लाख। तो ये हो गया 50 लाख डिवाइडेड बाय 0.20 से परपेचुटी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रहेगी। हमको वैल्यू 1 साल पीछे चाहिए, 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो 1 साल से इसको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, दैट गोज टू 1.20, 1 साल से डिस्काउंटिंग। अब कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो आप कब कर रहे हो सर, 175 लाख 1 साल बाद कर रहे हो, उसको 1.20 से डिस्काउंटिंग कर लो, ये आपकी एनपीवी आ जाएगी। ₹62,50,000 एनपीवी। कंक्लूजन क्या निकलता है, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव मार्केट प्राइस विल इंक्रीज बाय 62,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी कि 6.25 पर शेयर। सो देयर फोर न्यू मार्केट प्राइस इज 131.25, 125 वो और 6.25 ये। सो ये दोनों मिला के आपका फाइनल आंसर आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। आंसर्स नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। बाय बाय।
So hi everyone, this is Mayank Kothari. We are going to see a question on the risk and return of a portfolio. So this is a question from November 2017 exam of strategic financial management. This question has been allotted around 10 marks and ask me, this question is very simple. You can get the marks easily. Thodi si lengthy procedure, so that's it, nothing else. So let's read the question and then we'll see how to solve it. The return of security L and security K for the past 5 years are given below. ठीक है, ईयर आपको दिया है 12, 13, 14, 15 और 16. सिक्योरिटी एल के रिटर्न आपको दिया है, सिक्योरिटी के भी रिटर्न आपको दिए हुए. और कैलकुलेट क्या करने बोला है सर, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन. दैट्स इट, बहुत ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन है. 5 साल दिए, 5 सिक्योरिटी के रिटर्न दिए 5 सालों के, और मार्केट के भी आपको रिटर्न दिए उन 5 सालों के. तो दो सिक्योरिटी, सॉरी मार्केट नहीं, दो सिक्योरिटी है, 5 साल है, रिटर्न है. और क्या कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो का रिस्क और पोर्टफोलियो का रिटर्न. अब सिर्फ इतना ही नहीं है उसमें, आपको एक्चुअली उसमें सिक्योरिटी का रिटर्न, सिक्योरिटी का रिस्क, पोर्टफोलियो का रिटर्न, सॉरी दोनों सिक्योरिटी का रिटर्न, दोनों सिक्योरिटी का रिस्क निकालना पड़ेगा और उसके बाद ये पॉसिबल है. सो मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ. ईयर 1, 2, 3, 4, 5. सिक्योरिटी एल के रिटर्न ले लेते हैं 10, 4, 5, 11, 15 और के 11 -6, 13, 8, 14. ठीक है, इसके बाद में इनका पहले तो मीन निकाल लेते हैं जो कि होगा अपना एल बार और ये हो गया के बार. सो 10, 4, 5, 11, 15 ये आ गया 9. एवरेज आउट कर ले तो जब आपको वेट्स नहीं दिए होते, प्रोबेबिलिटीज़ नहीं होती, तो आप इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ मानते हो या इक्वल वेट मानते हो. सो ये आ गया आपका 8. ठीक है, इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद में मैं L माइनस बार L. ठीक है, सो 10 में से 9 गए 1, 4 में से 9 गए 5, 5 में से 9 गए -4, 11 में से 9 गए 2, 15 में से 9 गए 6. ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे K माइनस बार K कर लेता हूँ. ठीक है, सो 11 में से 8 गए 3, -6 में से 8 गए 14, 13 में से 8 5, 8 में से 8 0, 14 में से 8 6. अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर लूँगा तो आएगा क्या. सर ये कर क्या रहे हो, ये तो बताओ, थोड़ा सा ध्यान रखिए और सबर भी. L माइनस L बार का स्क्वायर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डिवीशन निकालते हैं सिर्फ L का. सो 1 का स्क्वायर 1, इसका 25, इसका 16, 4 एंड 36. इसका भी वैसे निकाल लेते हैं, के माइनस के बार का स्क्वायर. सो यू विल गेट 3 का 9, 14 का 196, 25, 0 एंड 36. टोटल कर लो, समेशन ऑफ एल माइनस एल बार स्क्वायर 82. ठीक है, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, 82, 266. वेरियंस डिवाइड बाय 5 कर लो, 82 डिवाइड बाय 5 16.4 एंड 266 डिवाइड बाय 5 53.2. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस, तो 16.4 का स्क्वायर रूट इज 4.05 और 53.2 का स्क्वायर रूट इज 7.29. तो ये आपकी फिगर्स आ गई 1. ठीक है, अब देखो वेरियंस कैसे निकाला, 82 डिवाइडेड बाय 5 करके, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला, 16.4 को स्क्वायर रूट करके.
और उसके बाद अब मैं फाइनल फिगर निकालता हूँ मेरी, एल माइनस एल बार और के माइनस के बार, जो वेरिएशन आ रहे थे ना आपके ये वाला और ये वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन. सो 3 × 1 3, माइनस 5 × 14 इज 70. पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया. और यहाँ पे -20 0 और 36. सो द टोटल विल बी 370 -20 एंड 36, दैट इज 89. ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका कोवेरियंस निकाल लेता हूँ. कोवेरियंस इज 89 डिवाइडेड बाय 5, दैट कम्स टू 17.8. ध्यान देंगे अब मैं क्या क्या निकालूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ. 3, 70, 20, 36 बाय 5. अभी तक अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ. आपको रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने बोला है. आइए पहले वो चीज़ लिख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. पहली चीज, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. अब रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं, आर पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर आई एंड वेटेड एवरेज रिटर्न. ठीक है, अब हमारे पास में क्या क्या है सर, हमारे पास में रिटर्न है एल का और वेट है एल का, प्लस रिटर्न है के का और वेट है के का. सर एल का रिटर्न कितना, 9, और के का रिटर्न कितना, 8. वेट नहीं दिए हुए क्वेश्चन में कि एल और के पूरे पोर्टफोलियो में कितना वेट कंसिडर करते हैं, मतलब कितने प्रोपोर्शन में, क्या प्रोपोर्शन में इन्वॉल्व है. और ना ही क्वेश्चन ये कहीं पे भी आपको बोल रहा है कि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालो, ना. दे आर जस्ट सिंपली आस्किंग यू द रिटर्न एंड रिस्क. जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम वेट 50-50% मानते हैं. सो आई एम टेकिंग 50% ऑफ द वेट, अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, सो दिस विल बी 4.5 एंड 5, 4 इज 8.5% विल बी द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. एक चीज आपकी खत्म हो गई. दूसरी चीज बी, स्टैंडर्ड डेविएशन पी स्क्वायर इज इक्वल टू. फॉर्मूला क्या है, जब भी पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटीज होती है तो दो सिक्योरिटी वाला हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए. दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल वेट ऑफ एल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के वेट ऑफ के स्क्वायर प्लस 2 × वेट ऑफ एल वेट ऑफ के कोवेरियंस ऑफ एल के. कोवेरियंस ऑफ एल के की जगह पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एल, एल और के, ये तीन फिगर भी रख सकते हो. और ये तीन फिगर और कुछ नहीं, कोवेरियंस ही होता है. ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल की ज़रूरत है ऊपर में, ये हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल निकाला, इसीलिए 4.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 स्क्वायर. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के 7.29 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 स्क्वायर प्लस 2 × 0.5 × 0.5 × कोवेरियंस कितना, 17.8. तो आइए सॉल्व करते हैं. 4.1 13.29 एंड 8.9. ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ. 4.1 13.29 8.9 26.29 इज द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा इसका स्क्वायर रूट. फाइव पॉइंट वन थ्री
सो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो हो गया. सो दीज आर द टू आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. एक तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो 8.5% और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो 5.13%. व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट नोट इट डाउन एंड देन विल मेट द न्यू वीडियो विद द न्यू कॉन्सेप्ट. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कैलकुलेशन वाई वी डिड एक्चुअली. सो वी वॉन्टेड थ्री थिंग्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ के एंड कोवेरियंस ऑफ के. Note it down and then we'll meet in the next video. Bye bye. So hi everyone, this is Mayank Kothari. Today in this video we are going to look on the question of the money market instrument. So basically we call it as a money market operation, money market instrument. Let's have a look on this question. C Rock Limited has an excess कैश ऑफ 30 लाख रुपीज. एक कंपनी है जिसके पास में 30 लाख रुपए का सरप्लस पड़ा हुआ है, विच इट वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन द शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज. शॉर्ट टर्म के लिए छोटू सा. एक्सपेंसेस रिजल्टिंग टू द इन्वेस्टमेंट विल बी 45,000 रुपीज. भाई इन्वेस्टमेंट करना फ्री में थोड़ी होएगा, आके कोई लेके जाएगा भाई, आप बैठे रह जाओगे यहाँ पे. आपको खर्चा उठाना पड़ेगा जो कि 45,000 रुपए. 30 लाख इन्वेस्ट करने के लिए 45,000 रुपए का खर्चा. द सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट सॉरी द सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड विल हैव एन एनुअल यील्ड ऑफ 10%. जो भी सिक्योरिटीज आप इन्वेस्टमेंट करोगे साल भर में वो आपको 10% का रिटर्न देगी. द कंपनी सीक्स योर एडवाइस एज टू द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज टू अर्न अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 6%. कंपनी सीक्स योर एडवाइस एज टू द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज टू अर्न अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 6%. टैक्स लगने के पहले आप 6% कमाना चाहते हो. और एक्चुअल में बोलूँ ना, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्री टैक्स का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई टैक्स रेट दिया हुआ नहीं है. सो हम कितना कमाना चाहते हैं, 6% कमाना चाहते हैं इस पूरे इन्वेस्टमेंट पे. दूसरा, ऑल्सो फाइंड द मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो इग्नोर कर दो, पूरी तरह से इग्नोर कर दो. कॉस्ट ऑफ इक्विटी या डिस्काउंटिंग रेट तो दिया हुआ है नहीं वैसे भी, टाइम वैल्यू इग्नोर कर दो. ठीक है, हम सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं कि भैया हम रिटर्न कमाना चाहते हैं. पहले वाले पार्ट में हम 6% कमाना चाहते हैं, तो 6% हमारे इन्वेस्टमेंट में कमाना चाहते हैं, तो हमको बताना क्या है कि कितने टाइम के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँ. अगर मैं साल भर इन्वेस्टमेंट करूँ तो मैं 10% कमाऊंगा सिर्फ उस पर, ठीक है, नेट में नहीं. तो मैंने 6% ही कमाना है इतना पीरियड बता दो, तो साल भर से कम ही आएगा. दूसरा ये बोल रहा है कि मिनिमम पीरियड की मैं ब्रेक इवन करूँ अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, 45,000 रुपीज. ये 45,000 रिकवर हो जाए बस, उससे इनकम 45 की हो, मेरा खर्चा 45 का हो, जीरो. तो ये ब्रेक इवन हो गया, इतना पीरियड बता दो. सो दोनों चीजें हम सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं. सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं, आप कितना कमाना चाहते हो. सर 30 लाख पे आप 6% कमाना चाहते हो. रिक्वायर्ड रिटर्न, उसको क्या हो गया 30 लाख, 6%. 30 लाख पे 6% आपके आ जाएंगे 1,80,000. ठीक है, इतना आप कमाना चाहते हो. अब ध्यान दो, 30 लाख को अगर मैं 10% से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, साल भर का इनकम. सर साल भर का, क्वेश्चन में लिखा है एनुअल यील्ड, इससे मल्टीप्लाई करो तो. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12, साल भर का है ना 10%. मेरे को कितना पीरियड का चाहिए, पी. ठीक है, ये एक इनकम होगी. अगर मैं ऊपर पी में 12 रख दूं तो 12 बाय 12 एक हो गया, ये मेरे पूरे इसका आंसर कितना आएगा, 3 लाख आंसर आएगा इसका. करेक्ट, 3 लाख आंसर आएगा. लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे इतना चाहिए कि ये रिटर्न माइनस मेरा खर्चा जो है 45,000 का, ये खर्चा माइनस करोगे ना, शुड बी इक्वल टू 1,80,000. क्योंकि मैं कमाना कितना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट से, 1,80,000 इस इंस्ट्रूमेंट से. बेसिकली मैं 1,80,000 कमाना चाहता हूँ, यानी लॉजिकली स्पीकिंग 180 प्लस 45 रिकवर करना जरूरी है. तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 180 प्लस 45 रुपीज. लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12, 25,000 पी, दिस इज 25,000, P is equal to 1,80,000
मैं 45,000 ऐड हो जाएंगे उधर जाएगा तो ये 2,25,000, सो यू विल गेट पी इज इक्वल टू 9 मंथ्स, यानी आपको 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तब जाके आप 2,25,000 रुपये कमाओगे, उसमें से फिर 45 माइनस होगा और फिर बचेगा 1,80,000 नेट आपके पास में. दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट. लेकिन अगर आपको ब्रेक इवन करना है, ब्रेक इवन करना है मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. पहले वाले में तो प्रॉफिट चाहिए था ना 1,80,000, लेकिन अभी प्रॉफिट चाहिए कि नहीं सर मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरा ना एक्सपेंस रिकवर हो जाए, बस इतना टाइम पीरियड बता दो इन्वेस्टमेंट का, तो नो प्रॉफिट नो लॉस यानी कि ये जीरो आनी चाहिए. सेम फॉर्मूला मैं वापस रख रहा हूँ, 30 लाख इंटू 10% P/12 माइनस 45,000, ब्रेक इवन हो इसके लिए ये आंसर जीरो आना चाहिए. ठीक है, सो अगेन 25,000 P इज इक्वल टू 45,000, सो P इज इक्वल टू 1.8 months for break even. So ये हो गया आपका आंसर, as simple as it is. So answers note down कर लिया, अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो you can feel free to ask me the doubts. Bye bye.